2018 के इलेक्शन तक वजीर आजम है और उसके बाद फिर 5 साल के लिए वजीर आजम है। जे आई टी की तश्कील प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के मौकफ की फतह है। जा चुके नवाज शरीफ, किस्सा खत्म हुआ, झाड़ू पड़ गई है। नवाज शरीफ को कहता हूँ कि वो इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, वो फौरी तौर पर इस्तीफा दे। वज़ीर आज़म को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। पीपल्स पार्टी को या कौम को इन जजों से कभी इंसाफ नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। पनामा का फैसला आ गया और एक जेआईटी तश्कील दी गई है जो प्राइम मिनिस्टर के और उनके बच्चों के पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी जो असासे हैं उनकी तहकीकात करेगी। स्प्लिट जजमेंट है, दो जजेज सीनियर मोस्ट जजेज उन्होंने तो कहा कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, लेकिन बाकी तीन ने कहा कि नहीं, अभी मज़ीद तहकीक होनी चाहिए। जो जेआईटी है वो भी बड़ी काफ़ी उन्होंने जामे तरीके से उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस वजह की हैं। 60 दिन में उसने फैसला अपना सुनाना है और ये तफसीलात क्या हैं, ऑर्डर बहुत लंबा है, 550 सफ़े का, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई। कतरी खत को तो उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। चेयरमैन नैब के हवाले से स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, अब क्या होगा, 60 दिन में क्या फैसला आएगा, पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है और नून लीग क्या कर सकती है, और ये अदालती जो हुक्म है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इसके लिए हमारे साथ हैं नईम बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, और ये केस आज आप जीते हैं या हारे हैं मैं तय नहीं कर पाया, मिठाइयाँ खा रहे हैं। अच्छा, देखिए इसका आंसर इस तरह हो सकता है। एक वकील जो मुझसे बहुत अच्छा था, वो एक फौजदारी केस बहस कर रहा था एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास, जज ने सजाए मौत सुना दी, वो 2 घंटे फिर भी बहस करता रहा। उन्हें जो जिनके जो अक्यूज थे उनके बाप ने कहा जी कि उस सजाए मौत हो गई, कहता मैं तो लाशां वापस ले रहा सा। जो मिठाइयाँ नून ली पा रही है ना, दिस लाइक दैट नोबडी इज अंडरस्टूड दैट जजमेंट। नाउ ये अगर इमरान खान हारे होते तो पटिशन खारिज हो गई होती, दैट्स अ लॉस। आप पटिशन दायर करते कहीं खारिज, इमरान खान हार गया। उन्हें कहा नहीं, पहले उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पे फैसला किया, नहीं मेंटेनेबल हम सुनेंगे, ठीक है। फिर हर ऑब्जेक्शन, एंड देवर ब्रिलियंट लॉयर्स ऑन द अदर साइड, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल राज सलमान एंड शाहिद अहमद, जनाब ए नुका 183 की लिमिटेशन ये हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, एवरी ऑब्जेक्शन टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन हैज बीन रिजेक्टेड, एवरी डिफेंस रेज्ड और एक्सप्लेनेशन गिवन अबाउट द लंडन फ्लैट्स और अबाउट एनीथिंग हैज बीन रिजेक्टेड। 3 जज ये कहते हैं कि वी अंडरस्टैंड दिस इज ludicrous, दिस इज अनबिलीवेबल, बट वी थिंक दिस रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कुछ आप कह सकते हैं दिस इज जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जो उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस किए हैं, दैट इज द इंडाइटमेंट ऑफ नवाज शरीफ, ही हैज टू आंसर इट, नोबडी एल्स हैज टू प्रूव इट। जो 10 सवाल या 11 सवाल उन्होंने बनाए हैं वो बहुत उदास ना आगे। जो ऑर्डर उन्होंने पास किया है, जो लास्ट 3 पेजेस हैं, 550 तो मैं नहीं पढ़ पाया, मैं भी नहीं पढ़ा, आई ओनली रेड 54 पेजेस। उसमें बड़ी सख्त सख्त बातें हैं। वो कहते हैं कि जो आर्टिकल 1843 है, 187 है, 190 का भी हवाला है, उसके तहत ये जब तहकीकात हो जाए, वो जो जेआईटी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और वो रिपोर्ट करती रहेगी, स्पेशल एवरी फॉर्टनाइट और सुप्रीम कोर्ट और उसके तहत अगर ये साबित हो जाए कि क्राइम, दे यूज द वर्ड क्राइम, क्राइम कमिट हुआ है, तो रेफरेंस फाइल करें अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रोसीड अगेंस्ट हिम, ठीक है। पावर्स कौन सी हैं? 190, 187। नाउ मे आई से समथिंग, व्हाट इज सेक्शन 95 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस बताइए। इफ ए होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और हिज स्पाउस और हिज चिल्ड्रन और एनी फ्रेंड होल्ड्स एसेट्स बियॉन्ड नोन ऑफ द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस इज गिल्टी, the burden is not on us, the burden. Now if you read those 10 questions, wo pehle page pe aa jate hain, padh le pehla sawal padh le, pehle main aapko deta hu taaki aap khud hi explain kar de, let's take the first one, aaj wo nahi se pehle safhe the nahi hoga, aap वैसे बोलते जाएं, सच नहीं दूसरे सफे पे, दूसरे सफे पे ये कंपोजिशन आ जाते हैं। अच्छा जी, ठीक पहले क्या, अच्छा जी पहले पहला सवाल ये है, we hold that questions how did gulf steel come into being and what led to its sale, what happens to its liabilities, ruk jaane the itni break la le break la gulf steel ki mil ke sab ke muqable the latan dingiya, what is gulf steel, mia sahab ne do takreerein ki, ek 4 april ko, ek 16 mai ko, unhone kaha हाँ बुटो साहब ने आगे हमारी सब कुछ हमारा ले लिया, हम कौटी कौटी हो गई, हमारे अब्बा ने कमर बांधी और हम दुबई चले गए,
वहाँ हमने गल्फ स्ट्रीम बनाई। पैसा कितना आया? ठीक हो गया, ये पहला सवाल हो गया। 1974 में लीज ली, बड़े मियाँ साहब ने अपने नाम नहीं लिए, तारिक शफी के नाम बेनामी की, क्योंकि तारिक शफी एफिडेविट आ गया, उसकी लीज आ गई, क्लियर। 78 में मिल तबाह हो गई। व्हाट डिड दे डू? दे सोल्ड 75% ऑफ इट शेयर्स। ये क्लेम है उनका? नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट है। हाँ, ये उन्होंने कहा है। आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना जेआईटी में। नहीं, उन्होंने क्यों नहीं पेश की, हम तो नहीं कहते। कहते हैं जी $21 मिलियन की 75 मिल गए, ये पैसे हमें नहीं आए। 21 मिलियन दिरहम की? 21 मिलियन दिन चले गए BCCI। एट दैट पॉइंट इन टाइम द टोटल लाइबिलिटी अगेंस्ट गल्फ वाज 63 मिलियन दिरहम, 26 टू देम, अदर्स टू थर्ड पार्टी, जिसकी डॉक्यूमेंट 6 नहीं उन्होंने लगाई। अब 2 साल बाद मियां शबाज शरीफ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तारिक शफी साइन कर रहे हैं एज तारिक शफी, लिखा हुआ इसमें, आपने वो डॉक्यूमेंट लेके आ गई, तारिक शफी रिप्रेजेंटेटिव। 12 मिलियन धर्म आ गए, लाइबिलिटी 12 मिलियन धर्म भी आप ले लें, 30 मिलियन धर्म इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। हमने जो इम्प्लीकेशन क्या होगी जब इन्होंने ये कहा कि गल्फ स्टील लगाई कहां से, पैसा कहां से आया, बेची क्यों, गया किधर, ठीक हो गया ना, पता ही नहीं चलता कतर कैसे गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर था, यहां से तो $1 डॉक्टर साहब नहीं लेके जाने देते, वो 1 टका नहीं लेके जा सकते। अच्छा, और कहते हैं हमने बीसीसीआई से लिया। डिड यू डिक्लेयर दिस एसेट इन पाकिस्तान? किसी टैक्स रिटर्न? कैनी रिटर्न? मियां साहब बड़े नहीं, किसी भाई ने? आप कहते हैं बेनामदार हैं। तारिक शफी 19 ईयर ओल्ड, कहना मैं छोटी उम्र का था, मेरे से ताया अबू बड़े प्यार करते थे, मुझे वो ले गए मेरे नाम पे। जब वो स्टील मिल्स की ओपनिंग वो डीज हो रही है तो शेख अल नेहान होते थे जो बड़े हैं, वहाँ बड़े मियाँ साहब भी हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, शबाज शरीफ साहब की फोटो है जो मियाँ साहब ने असेंबली में पेश की थी शेख राशिद के साथ। अच्छा, ओल्ड बांदी जेंटलमैन, बढ़िया लंबिया कहानी। नाउ मियाँ साहब सेज, व्हाट इज मियाँ साहब सेड, लेट्स टेक 4th of April स्टेटमेंट। हमने इधर किया, एक गल्फ स्ट्रीट हमने बेची, ये मिली इससे जद्दा, जद्दा हमने बेची, ये हैं वो असासे जिससे मेरे बेटों ने कारोबार शुरू किया। ये पहले रहे जनाबे स्पीकर, जिससे मेरे ये पहनी और बाद चांदी जाओ जी 4 अप्रैल वाली कौम को, ये वो असासे जिससे मेरे बेटों ने कारोबार किया। कब बेचे? June 2005। उस पहली तकरीर में जिक्र नहीं कर रहे ना, दी प्रेशर बिल्ड्स अप। 16 मई को मियाँ साहब फिर चले जाते असेंबली में, मैं दूध का दूध पानी, हालांकि दूध का दूध पानी का पानी साइंटिफिकली इम्पॉसिबल, आप ये कर सकते हैं कि इसमें मिलावट कितनी है अलहदा नहीं हो सकता, बट एनी वे रोज सब कहते। मियाँ साहब ने बड़ी लंबी कहानी सुनाई, उन्होंने फिर कहा 33 मिलियन धर्म की हमने बेची, अल्हम्दुलिल्लाह विच इज करेक्ट, और द फर्स्ट 21 वेंट स्ट्रेट इन टू BCCI, देन नेक्स्ट 12 कहते हैं हमें मिले। अच्छा जी, बट वॉट अबाउट द 30 मिलियन धीरम विच वॉज स्टिल आउटस्टैंडिंग? ये इसने मदद की जद्दा की मिल बनाने में। ना दिस इज नॉट वॉट दी सन्स से, द सन्स से इन ए राउंड अबाउट वे, जो हमारे दादा ने जिस तरह कहा पहली उनकी स्टेटमेंट उसको इस्तेमाल किया गया, दिस द फर्स्ट रिप्लाई। अब कतरी का खत आ जाता है, इट इज डेटेड 5th of November, वो भी हियर से है। आई वॉज टोल्ड माई एल्डर्स हैड लॉन्ग रिलेशनशिप, माई एल्डर ब्रदर यूज टू मी, इट्स ऑल हियर से। उसका मौकफ यह है कि ये 12 मिलियन धर्म इन्वेस्ट हुए 1980 में इन जो उनकी रियल एस्टेट बिजनेस था अफ़थानी एस्टेट, नो ट्रांजेक्शन, देर इज नो, पर्चियों पर गया, पर्चियों पर कारोबार हुआ। बल्कि वो ये बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, अब मैं उनकी सेहत का भी पूछ लूँगा, अजमत सईद साहब, उन्होंने कहा ऊँटों पर गए क्या? सो सलमान शेख साहब, नहीं सर, 2 मिलियन dirhams is this much money. No banking transaction. No receipt. Mia Saab says, no, this money went to Jeddah. The son and the Sheikh Qatri, ये वो कतरी ना का रिश्तेदार तो नहीं ना वो, incidentally ये जो कतरी शेख है, जब कतरी का जिक्र आता है आप कतरीना का जिक्र क्यों? पता नहीं क्यों याद आती है, खुदा नहीं कहते। ये कतरी शेख के खिलाफ इसने तीन, ही इज ए क्रुक, आई टेल यू, हमने वो जजमेंट लगाई है। जर्जी में इसने 3 बनाई टैक्स हेवंस,
और वक्फ की है। वो पनामा जैसी जर्सी में भी बनती हैं, ठीक है, आसान लफ्जों में वैसे भी पनामा जैसी बन जाती है। यू नो व्हाट वाज द एलिगेशन अगेंस्ट हिम, दैट ही हैड टेकन किकबैक्स फ्रॉम आर्म सेल इन कतर, राइट। वो जो ट्रस्टी था उसे कहा ही मैं पैसे नहीं दे सकता, आई डाउट वेदर दिस इज टेंटेड, दिस इज क्लियर मनी और नॉट। ए केस वॉज फाइल्ड इन इन जर्सी, इसने वकील करके कहा इस केस बाहर ना निकले, इसको इट मस्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल। सो कतरी इज ए टेंटेड पर्सन, उसके खिलाफ एक लंदन में भी केस हुआ था। आगे चलेंगे नहीं तो इसमें हम प्रोग्राम फंस जाएंगे। नाउ इफ यू बिलीव द सन्स, मियां साहब इज लाइंग, बट द सन्स वर स्मॉल इन 1980। हाउ ओल्ड वाज हुसैन? 8 years, मत 6 years, 4 years, 2 years, दे डिडंट नो दिस ईयर से। सो द मोमेंट कतरी ड्रॉप्स फ्रॉम द सीन एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट बिलीव्ड इट, the whole thing Supreme Court ने कतरी खत को उठा के बाहर फेंक दिया, फेंक दे, it's gone। और बच्चों के लिए कहा है कि हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के बेनामीदार के तौर पर एक्ट ठीक हो गया। शबाज शरीफ साहब has to explain, डिफॉल्ट कर गई थी, टैच हो गई थी, ठीक हो गई, पसंद आपने बताना पड़ेगा। अच्छा भाई तुसी 12 मिल तुसी के में मान गए ओदे नॉमिनी, तुसी दस्तखत कीते हैं तारिक शफी, क्योंकि जो दस्तखत शबाज शरीफ साहब ने 1980 वाली डॉक्यूमेंट किए हुए हैं और जो तारिक शफी ने 2 एफिडेविट दी थी, जमीन आसमान का फर्क है उनके सिग्नेचर्स में। शबाज शरीफ साइंस इज तारिक शफी, राइट। नाउ दिस इज वन पार्ट, लेट्स टेक द नेक्स्ट बैट। पैसे थे ही नहीं कहीं जाने वाले, या मुझे देने नहीं तो हम इस पे फंस जाएंगे। हां ठीक है, आप बताएं पैसे जल्दी कैसे गया, यूके कैसे गया। नाउ व्हेन, नाउ व्हाट इज द कतरी अल्टीमेटली से, कतरी कहता है हमारी रियल एस्टेट बिजनेस में ये इन्वेस्ट हुए इन द थानी रियल एस्टेट बिजनेस, लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट अपने दूसरे खत के साथ पेश करता है वो तो 12 मिलियन दिरहम का जिक्र, क्यों डॉलर्स का जिक्र, इट्स एज इफ इट मनी इज इन ए बैंक। 80 से लेके देर इज नो ट्रांजेक्शन टिल 1999 एंड देर इज वन ट्रांजेक्शन, पेमेंट मेड टू अल तौफीक। हुदैबिया दोबारा खुल गया, सॉफी सर आज खुल गया हुदैबिया दोबारा, रात दिया था। अच्छा एक और दिस विच इज मेरे देर आपका प्रोग्राम बहुत से लोग देखते हैं, मैं आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन। नदीमिया वी ऑल नो इट, लंदन में प्रॉपर्टी खरीदना ऐसे नहीं है जैसे हैरड से आप कलोन खरीद रहे हैं, यू कांट। क्या पर्ची पे पैसा लंदन भी आ सकता है? ना, क्या लंदन से पैसा पर्ची के ऊपर जद्दा भी आ सकता है? ना, मैं बताऊं आपने अगर, अब ये पुराना कानून है, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, यू हैव टू एंगेज अ सोलिसिटर। आपने पैसे सोलिसिटर को देने, उसने जो सेलर का सोलिसिटर है उससे रابطہ कायम करना है, दे एक्सचेंज लेटर्स एंड इट हैज टू बी थ्रू अ बैंक, इट ऑलवेज हैज टू बी थ्रू अ बैंक, ये हो नहीं सकता। आपको पता है अब तो ये हो गया है, अगर आप 3,000 पाउंड दे दो अब रेज कर देते हैं कि तुम आने बहुत पैसे, बट ऑलवेज इट हैड टू बी ए बैंकिंग ट्रांजेक्शन। नाउ नाउ ऑफ द रिकॉर्ड एक साहब आए थे, उन्होंने कहा जी मैं आपको खत देता हूं, फर्स्ट लेडी हैड रिटन लेटर्स टू द सेलर सोलिसिटर कि ये इसकी रिपेयर्स ठीक करें या रिपेयर्स ठीक करें या इसकी कीमत कम करें। उन्होंने कहा जी इसकी कीमतें लेना तो ले लो, एंड दैट यू रिमेंबर दैट इज सर्कुलेटिंग हियर। सो दैट्स वन थिंग, देयर इज नो वे दैट द फर्स्ट परचेज ऑफ 450,000 पाउंड व्हिच इज अपार्टमेंट 70, सिर्फ एक अपार्टमेंट का जिक्र हो रहा है, इन 93। नेक्स्ट अपार्टमेंट इज 16 एंड 16A, दिस इज 95। Then comes 96, which is 17A, but then is merged into 17. यहाँ पे इस जजमेंट के अंदर उन्होंने नीलसन और नेस्कॉल के बेनिफिशियल ओनर के ऊपर भी कहा है कि वो भी बताएं कि वो एक्चुअली है कौन, असल चिकेड़ है। बिल्कुल ठीक है। देखिए हम क्यों पनामा में कंपनियां बनाते हैं? Let's accept it, because we want to hide money, want to hide it। ये जो JIT बनेगी, हाँ। वो अब ये कैसे establish करेगी कि ये नीलसन और नेस्कॉल का असल बेनिफिशियल ओनर कौन? बड़ी सिंपल है। When you make a company, whether it's Nielsen or Nelson in Panama, somebody has to order. It has not. कैसे साबित होगा? वो हेज करेंगे। Mossack Fonseca ने 2012 में, after writing to Minerva in London, कि जनाब कौन है इनके ओनर? These are politically exposed persons. ये facts हमें पता है। लोगों को बहुत दफा सुनाए। लेकिन अब जब ये कहते हैं कि JIT बताए कि असल beneficial owner कौन है? अच्छा जी। तो कैसे साबित होगा? कई तरीके ना। कैसे? एक तो JIT को जो PTI है पैसे देगी, चलो चलिए पनामा। आप लेके जाएंगे उन्हें? Why not?
और मोज़ेक फोंसेका का रिकॉर्ड जो है उसको खुलवाएंगे। हाँ जी, व्हाई डिड यू आस्क मिनर्वा? दूसरा तरीका ये है कि वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की जो वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जी जी उनसे पूछ लें, उनसे पूछ लें जिसने खत लिखा, जिसने कि हमें बताएं, जिससे खुला मामला, जिससे मामला खुला, ठीक है ना? वो तो स्टेट लिखेगी तो इन्फॉर्मेशन वो हो जाएगी। आई डोंट थिंक दिस है टू मी नदीम मियां, ऑल द फर्स्ट पेज इज चार्जेस अगेंस्ट मियां साहब एंड हिज फैमिली। लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है, अगर नीलसन और नेस्कॉल के असल बेनिफिशियल ओनर, जैसे कि पनामा के वो आईसीआईजे के डॉक्यूमेंट्स में था, वो स्टेबलिंग, तो द एंटायर शरीफ फैमिली इज इन ट्रबल। इट इज गॉट अ ट्रबल, देखिए इट्स इन इवन ग्रेटर ट्रबल। हुदैबिया के खिलाफ केस किया लंदन में, जजमेंट आ गई, जजमेंट आई मार्च 1999 में व्हेन मियां साहब वाज स्टिल इन पावर। पैसे नहीं दिए उन्होंने, पैसे उस वक्त दिए जब वो गवर्नमेंट चली गई, ठीक है क्या? लेकिन हु पेड इट? नो, कतरी सेज आई पेड इट, ये तो उसका क्लेम है ना, एक्चुअली हु पेड इट, वी नो दैट। ये आने में, आने में शेख सईद, अब वो नाम नहीं, नहीं, लेट द जीआईटी कम। देखिए जीआईटी को कागज पत्र हैं आपके पास? देखो बेटा, कुछ कुछ है, आ जाए, कुछ आ जाए। व्हाट व्हाट वी नीड टू डू इज, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट, वेदर आई एम, डेबिया के डायरेक्टर्स में कौन है? सब कौन? बेटी, नाम मरियम, ओके, बेटा हुसैन, ये उसके वालिद के डायरेक्टर्स में, ऑफ कोर्स मियां नवाज शरीफ भी, नहीं वो नहीं, नहीं मुझे पता है, वो कहते हैं 97 में अलग है, अब्बास शरीफ, हमजा शरीफ, वो लिस्ट है भाई उनकी डायरेक्टर्स 1999 में। सिंप्लीकेशन में तो मरियम बीबी के ऊपर भी सवाल जी बिल्कुल आएंगे। देखिए मरियम बीबी मीठी बेटियों की तरह है, शी इज जस्ट ए पॉन इन द गेम, ए लिटिल पॉन इन द गेम। वो कह चुकी है मैं, मेरे कीड़ी जमीन है भाई, उसका मियाँ फौजी था, रिटायर हो गए, नौकरी कर ली, फौज की तनख्वाह होती थी, 2000 में वो चले गए मुल्क से बाहर, ही नेवर गेव ए रिटर्न, वापस आए, टिल ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली ही हैड नॉट गिवन ए टैक्स रिटर्न। हुदैबिया का रीओपन होना बहुत सरदर्दी, नो नो, देखिए ना, इट इज फॉर इसहाक डार टू डिसाइड नाउ वेदर ही, कहता ना पिस्तौल रख के मेरा बयान लिया गया 164 का, उनके ऊपर पैर है पूरा। इसहाक डार साहब विल हैव टू डिसाइड, मैं अप्रूवर हूं कि मैं अक्यूज्ड हूं, अदालत ने, एंड हाउ डू यू गेट आउट ऑफ 164? उन्होंने कहा आप तो अप्रूवर बन गए थे, ठीक हो गया, अदालत ने यही कहा ना कि आप तो ठीक हो गया, वो सीक्वेंस सारा आएगा। मेरी नजर में देखो निधि भैया, मैं जब ये केस पढ़ रहा था, मैं पता नहीं एक्सप्रेस पे था किस पे, एंड आई जस्ट रीडिंग द फाइल एंड आई जस्ट वॉलंटियर एंड आई सेड मियां साहब इज रन आउट ऑफ लक। वाकई अल्लाह के, ये आपका यकीन? हाँ यकीन, ही इज रन, क्या ख्वाहिश है आपकी? ही इज हिस्ट्री, इट्स ओवर। देखिए वो मैं जमीर हुसैन जाफरी से बड़ी अच्छी दुआ मांगता था, कैंसन या अल्लाह मुझे इतना अरूज ना देना जिसमें जवाल भी शामिल हो, मियां साहब को बहुत अरूज मिला है, नाम रहेगा अल्लाह का। वो टाइम आपका ख्याल है, इट्स इट्स हियर, इट्स ऑन हिज डोरस्टेप। ये जो जेटी वाला मामला है, ये उनके लिए ट्रबल प्रेस। नदीम मुझे देखिए, अप्रैल 2016 से आज तक इतनी बेइज्जती मैंने किसी की खानदान की होते नहीं देखी है। क्या है, व्हाट आर वी डूइंग एवरी डे? पनामा 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 पजामा पनामा पजामा पनामा, खा गए लुट गए। इवन समबडी, यानी मैं हैरान होता हूँ आसिफ जरदारी साहब का, यानी मैं, एक तो मुझे दुख होता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो हुम आई एडमायर्ड, यानी जब वो लाहौर आए हैं 66 में ट्रेन पे, तो उन 10,000 जो लोग थे उनमें मैं भी स्टूडेंट था। अच्छा, मैं इश्क करते सन आपके पसंदीदा शख्सियत यार, हमने तो फ्लैटीज होटल में खान साहब बुरा ना मान जाए प्रोग्राम नहीं, नहीं नहीं उनको पता है मैं खान साहब भुट्टो के बाद आते हैं, फिर भुट्टो साहब ज्यादा पसंद मेरा पहला इश्क भुट्टो साहब है, ही इज जस्ट अनबिलीवेबल। वो सिगार पिया करते थे रूम नंबर स्वीट नंबर 55 में, हम जमीन पे बैठा करते थे, मुस्तफा खर को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी, वी आर ऑल स्टूडेंट, एंड ही वाज सो एलोक्वेंट, आई टेल यू ही वाज सो मैग्निफिसेंट। तो हम उस यार ओदी पार्टी जरदारी दे हाथ च है। और ना पसंदीदा शख्सियत कौन है इस मुल्क में? अच्छा ये आप पोल कर रहे 200 मिलियन लोगों से नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं। देखिए आप अल्लाह की कसम एक पोल करा ले टेलीविजन, आप अपने व्यूअर्स से पूछें, मैं आपको नाम देता हूं। अच्छा, टॉप ऑफ द लिस्ट मियां, क्या नाम, अल्ताफ हुसैन, कितना आपको पसंद है कितना ना पसंद है। दूसरी मेरी नजर में साद रफीक, आप पोल करा लें। तीसरा वो मुंडा जरा फैसलाबाद का MNA बड़ा बोलता है, तलाल, यू नो ही ऑल्सो हैड नॉट गिवन ए बैंक ए टैक्स रिटर्न टिल ही हैड बिकम ए मेंबर ऑफ द। ऐसा है, तीसरा ख्वाजा आसिफ,
उसके बाद आप जिसको मन आप बताएं इन किसकी शक्ल देख के आपको। अच्छा वो जो मोटू गैंग है वो क्या नाम है उनका? दानियाल साहब। दानियाल साहब यार यार कोई हया आप सारे नून लीग के गिने। मैं तो अभी आते दूसरों पे भी आते हैं। हाँ। यार वो भूल गया है कि वो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो का चेयरमैन था अंडर परवेज मुशर्रफ। हैज ही फॉरगॉटन? हैज ही फॉरगॉटन द वर्ड्स दैट ही यूज्ड टू से अबाउट नवाज शरीफ ड्यूरिंग दैट टाइम? कोई शर्म कोई हया आप में है कि नहीं? एटलीस्ट ख्वाजा आसिफ स्टूड फर्म। ख्वाजा आसिफ का जुमला बोल रहा है कोई शर्म होती है कोई हया होती है? कोई हया यार क्या आप आके तकरीर करते कि डेविड कैमरॉन स्टैंड्स अप? पांच बंदे आपने गिनवा दिए, आप पीपल्स पार्टी का भी गिनवाए यार सारे नो लीग वाले ने उनको लड़ाई करवा दी। पीपल्स पार्टी मुझे आसिफ जरदारी साहब से दो मुझे बड़ी चिढ़ यार कहते हैं जी आप। आसिफ जरदारी से भी चिढ़ है? बड़ी सख्त। हैड ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो लिव्ड ही वुड नेवर हैव अलाउड हिज डॉटर टू मैरी सच ए पर्सन। क्या है वो, कितने उसके खिलाफ केसेस सरे पहले? मेरा नहीं मेरा नहीं मेरे नहीं मेरा। $65 मिलियन कोटेकना का मेरा नहीं गायब। आप कह रहे हैं 18 शुगर मिल ले। व्हाट इज योर फ्रेंड वो क्या नाम है? नमस्कार मिर्ज़ा। व्हाट इज ही सेइंग अबाउट यू? आप कह रहे हैं गली गली में चोर है, नवाज शरीफ चोर है, वो तेरे मुंह में गल चंगी लगती है? को हया कर, हया कर यार। ये प्रोड्यूसर साहब ये छह बंदों का नाम जरा स्क्रीन पे डालना। हाँ, अभी, अभी पोल करवाते हैं, पोल करवाते हैं। नाउ लेट अस से इन और पीपल्स, लेट्स से पीटीआई में आपको चलो नई मुलाकात डाल दो ना सिर्फ नहीं और क्या राजा रोज बोलता मन नहीं पता नहीं लगता तो पाना पड़ेगा। पिछले दिनों जो उन्होंने कियानी साहब के बारे में गल की थी दो ढाई दिन बड़े शर्मिंदा शर्मिंदा फिर खान साहब तो डांट भी पई नहीं खान साहब तो जॉय। एनीवे सो आई थिंक अगर ये कहें कि इज मियां साहब आउस्टेड बाय दिस जजमेंट, आंसर इज नो। इज मियां साहब इन हॉट वाटर एंड डीप ट्रबल, आंसर यस। और मैं एक और प्रेडिक्शन आपके करता हूं, मियां साहब लंदन नहीं रह सकेंगे। जिस गली में जाएंगे वहां आवाजें लगेंगी जैसे वो शर्जील मेजम मेमन को पब में लगी हैं। अरे चोरा टैक्स चोरा नटके आ गए चोरा लगी हैं। ये जद्दे नहीं रह सकेंगे, इनको मक्के में आवाजें लगेंगी, इनको मदीने में लगेंगे, एक जगह जा करेंगे एनाटोलिया। बड़े भैने असि तो नहीं बख्शते किसी को, ये इनका वहम है कि ये पैसे खा जाएंगे और ये दंद ना आके फिरेंगे। नहीं होगा भाऊ। अच्छा ब्रेक करीब आ गई। जो सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे उसमें उन्होंने ये भी पूछा कि हिल मेटल स्टील जो इन्होंने अजीजिया स्टील मिल बेस के लगाई थी वो कैसे बनी, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट जो बिलियन ऑफ डॉलर की इस वक्त कंपनी है, हसन मैनेज करता है, उधर पैसा कितना आया? 2000। देखिए कतरी कहता है जो उसका चार्ट है वो सब चीजें कहता मैंने दी मैंने दी, और अखीर में जाके कहता है बैलेंस अमाउंट लंदन फ्लैट्स। वो पैसे में इतनी बरकत पड़ी उसी से रिजिया लगी, उससे लंदन अपार्टमेंट्स आ गए, उसी से तौफीक का लोन भी सेटल हो गया। आपको भी उस जमाने में बुखारी साहब उसको 5-7 मिलियन दिरहम दे ही देने नहीं मनु पता होता मैं कतरी दिया 2-4 बोसे लंदा जाके यार साढ़े भी को 10 रुपए ला ला। एक कतरी है एक छतरी है कि बकरी है सान नहीं पता कौन है। एक ब्रेक ले लेती हूँ हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। नईम बुखारी साहब हमारे साथ हैं और खूब मज़ा ले रहे हैं। उनका ख्याल है कि मियां साहब का टाइम ख़त्म हो गया, ये दावा है इनका। हो सकता है नून लीग वालों का ख्याल हो कि इमरान खान जो है उनकी गुंजाइश सियासत में ख़त्म हो गई है। जरदारी साहब ने कहा था कि अच्छा नहीं होगा पाकिस्तानी सियासत के लिए कि इमरान खान इकतदार में आ जाए, पाकिस्तान महफूज नहीं होगा। ही सो इनएक्सपीरियंस। और आप कहते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद दूसरे पसंदीदा शख्सियत जरदारी साहब को, लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद दूसरे पसंदीदा आपके इमरान खान। इमरान खान इज ए जॉय। देखिए मैं आपको सिंपल टेस्ट बताता हूँ एंड आई टेल, और ये मैं 17वीं जमात को देता हूँ विच मीन जो बीए करके आए हैं 10 से 4-14 तीसरे साल एलएलबी में। आई टॉक टू द चिल्ड्रन एंड सेड यू आर मैरिड whether you're a girl or boy, and assume you're a doctor comes to you and tells you you're going to have a son, beta. Aapke paas ek banda aata hai, bada buzurg. Kehta hai, das tera putr zardari varga hove ke Imran Khan varga hove.
देर हैज़ नेवर बीन ए सिंगल स्टूडेंट हु हैज़ सेड जरदारी वर गो अवे। एक दफ़ा एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की, मैं क्या अच्छा बता देने जरदारी वर्गा अवे, इमरान खान वर्गा अवे कि अब्दुल सतारी दी वर्गा। मुंडा कहना होवे तो अब्दुल सतारी दी वर्गा, पर शक्ल इमरान खान वाली होवे। कम मीडिया ले इमरान खान इज लार्जर देन लाइफ। सर इमरान खान को लाइन में लाते हैं, ये अच्छा मशवरा। आई टेल यू ही इज लार्जर देन लाइफ। मैं जब दिलीप कुमार की वो बात सुनता हूँ ना, एंड आई एग्री विद हिम कि खुशकिस्मत है वो माँ जिसकी कोख से ये पैदा हुआ, और फख्र करे वो कौम जिसका ये फर्जंद है। दिस दिलीप कुमार व्हेन आई लुक, और मैं उसका वर्कर हूँ भाई। जब शौकत खानम की पहली ईंट लगी थी, आई वॉज देयर एंड आई हैव बीन ए सर्वर इन PTI। आई एम जस्ट ए वर्कर, आई एम नोबडी एल्स, आई जस्ट अडोर हिम। जिस दिन ये केस कंक्लूड हुआ बुखारी से, उस दिन तय होगा कि नई बुखारी कहाँ स्टैंड करते हैं। जिस दिन ये JIT हतमी तौर पर अपनी रिपोर्ट देती है, और सुप्रीम कोर्ट का वो स्पेशल बेंच जो है वो अपनी अगर रेफरेंस फाइल करता है, ये इन्होंने कहा कि अगर क्राइम इस्टेब्लिश हो जाए तो रेफरेंस 184, 187, 190 में तो वो आर्मी को भी कह सकते हैं। रुक जाते हैं थोड़ा सा, 190 उन्होंने यहाँ क्यों इन रिटर्न क्यों डाल दिया। जब सज्जाद अली शाह साहब को डर लगा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला होने वाला है, उन्होंने खत लिखा सेक्रेटरी डिफेंस को ना, उन्होंने खत लिखा आर्मी चीफ को, जहांगीर करामत को, उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को भेज दिया। एक्ट नहीं किया ना ना ना, ही सेड दिस इज वेयर जहांगीर करामत साहब, जनरल साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं, बट दिस इज आप बहुत दल हो गए, पैडा दिखा लेता खुदा दी भेजता हो नहीं सकता। इस दफा चूंकि ये पार्टी वो है जिसको आदत है हमला करने की, ये पंजाब हाउस में से बोलो यार, ये लोग भूल जाते हैं। मैं आपका ख्याल है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 190 ना, ना, ना बिल्कुल दे नीड प्रोटेक्शन। आपको पता है जब वो बंदे जब वो जेल से रहा हुए जिन्हें हमला किया था उनको हार पहनाए गए, किसने डाले, इन्होंने। ए नेशन इज नोन बाय द हीरोज इट हैज। अगर मेरे इस कौम का हीरो कादरी है जो प्रोटेक्ट कर रहा है एक शख्स को, जो गवर्नर है उसको गोली मार देता है, देन वी हैव समथिंग रॉन्ग विद हीरोज, देन वी हैव नॉट अंडरस्टूड आवर हीरोज। मसाइल तो हैं, देन वी नॉट अंडरस्टूड आवर हीरोज। कैप्टन सर की तकरीर सुनिएगा आपको एहसास होगा, खुदा की कसम। और वो आपको पता है बेटा, बाचा खान यूनिवर्सिटी में जो कत्ल करते हैं मेरे बच्चों को, नारा क्या लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये इस्लाम मेरा। वो नबी का जिस पे कीचड़ फेंका जाता है और जिस दिन नहीं फेंका जाता कहते कि बीमार ना हो या चिकड़ नहीं आया, ये मेरा इस्लाम। These are our heroes. So, देखिए ये तय है कि हम माँ बाप नहीं चूज करते, लीडर तो चूज कर सकते। आई मीन टू माई माइंड एतजाज अहसन इज प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट लीगल माइंड एंड इवन पोलिटिकल माइंड। यार तू पार्टी ने खुडे लाइन को लाया है, तू जरदारी ने पीछे खलोता ना यार, को हया करो। एतजाज साहब को कह रहे हैं एतजाज को हया करो, को हया। तो किधर आपने एक लौंडा सा वो निकला है जो वो जिसको बिलो रानी कहते हैं, शेख रशीद साहब, आप उसके पीछे खड़े थे। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये आपके बाप की लिमिटेड कंपनी है। एटलीस्ट इमरान खान का कोई बेटा पार्टी में नहीं है। मैंने खान साहब से अबे मैं कभी नहीं आया, मैंने खान साहब से मैं तो एक वर्कर हूँ, मैंने खान साहब से अर्ज किया, खान साहब आप बड़े हो रहे हैं, ये पार्टी हैंड ओवर कर दें टू द नेक्स्ट जनरेशन। 65 का हो गया, 64, 65 में से 4 साल छोटे, हैंड द पावर पार्टी ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। मेरा बस चले, अगर मेरी बात अबल तो सुनी नहीं जाएगी। किसको दे नए लोगों को नाम लेंगे, आई डोंट नो, यंग वी मस्ट लुक एट यंग पीपल। मुराद के अलावा किसी का नाम और लेट्स, आई डोंट नो, होंगे हर जगह, बट कितों निकले जमशेद दस्ती, आई लाइक हिम, आई वुड लाइक द जहांगीर तरीके, रह गए हो, आई डोंट, आई कुड खलोता नहीं यार, व्हाई डू यू थिंक आई लाइक शेख रशीद, सेल्फ मेड गरीबा दा पुत्तर, दैट्स द एडमायर। If I had my way, the Jahangir Tareens of the party, the Aleems of this party, whoever has money in the party, must provide funds to the next generation. मेरा पुत्र था। आपका ख्याल है अलीम खान इसलिए पैसे बना रहा है? I don't know. I mean, this is what my chairman must do. अच्छे में ये चीज understand करनी। The next generation. Line draw करनी चाहिए। We are going over. It cannot. This is not a family party. It must be handed over to the next generation. While Imran Khan is still robust, it must be handed over to the next generation. जिनकी भाई हम चरागे सह रहे हैं, बुझा चाहते हैं। देखिए मैं अपने आप के बारे में, पार्टी का चेयरमैन प्रेसिडेंट बना भी दें तो उनकी हैसियत को फर्क नहीं पड़ेगा, ये रियलाइज करना पड़ेगा कि उनका एक जो करैक्टर है वो स्टैंड करेगा, रहेगा।
वो ठप्पा लगाने से चेयरमैन का को कुछ बड़े नहीं नहीं हो होगा, जाएगा। पार्टीज है, बट ही मस्ट मेक श्योर खुदा न खास्ता समथिंग हैपेंस, दिस पार्टी विल कोलैप्स ओवरनाइट विदाउट हिम, तितर बितर हो जाएगी। Consequently, the next generation of leaders must be created. Whether it's this Swati boy, Murad, young boy, bolta badi tez ho, dar hota hai ki koi unko interrupt na kar le. I want young people to come up. Acha, unke paas paise nahi hai. This is where the party comes in. Putar crore rupaye hai idhar na? ये वैसे ये आपने बड़ा अहम नुकता है, पीपल्स पार्टी में पार्टी इसलिए अभी तक एक ही लाइन पे चल रही है कि वो बाप के बाद बेटी को मिल गई, बेटी के बाद सन इन लॉ को मिल गई, उसके बाद उसके बेटे को। यहाँ पे शरीफ फैमिली में अभी विरासती सिस्टम है ना, लेकिन इमरान खान के बाद नेक्स्ट कौन है ये कुछ है ही नहीं है। well, let's get the next, लेकिन आपको इलेक्टोरल प्रोसेस लाना। मैंने खान साहब से और बहुत एहतराम से अर्ज किया था, और वो मैं उनसे बड़ा, मैं उनसे इश्क करता हूँ, वो मुझे पसंद करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा। मैंने उनको जेंटली कहा था, योर कोर खान साहब का न्याय किससे? मेरा है पाकिस्तानी उनके, लेकिन अगर मुस्तफा घर अट कर सकता है तो मेरा पठान क्यों नहीं दूसरे और कर सकता। अच्छा, इस ऑर्डर की इम्प्लीकेशन में आपको लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस जल्दी हो सकता है? क्योंकि ऑर्डर देखिए, मियां, इफ आई नो मियां साहब, पीएमएलएन जेआईटी की पूरी रिपोर्ट इंतजार नहीं करेगी कि आए और उनको चार्जेस फ्रेम करें, उससे पहले वो स्ट्रेटजाइज करके कुछ करेंगे। नहीं नहीं, इफ इफ आई वाज इन देयर, व्हेन यू नो पीपल हैव टनल विजन, and I have never, if I would like to ask my prime minister, please tell me which is the last book you have read, I tell you the answer will be I have not read a book. He's not capable of focusing. If I was in their position, what would they do? Mere khayal mein unka khayal hoga Punjab mein Shahbaz Sharif, let's call elections now, they have to, ye JIT ke 2 mahine ki report ka intezar nahi karenge, phansenge wo abhi they have to decide now. Sirf rona hai abhi कि जे आई टी रुकनी, जे आई टी में कंटिन्यू उनका ख्याल है, हैव अदर ऑप्शन। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल करें पंजाब को, एंड दे आर मास्टर्स ऑफ रिगिंग, मुझे वी नाउ नो हाउ दे डू इट, और अगर बायोमेट्रिक ना हो, यू कांट बीट देम इन पंजाब इवन टुडे। आपको पता है कि एक अटेंडेंट में अस्पताल में नहीं लग सकता लाहौर में, अनलेस हमजा शहबाज शरीफ क्लियर्स इट। ए एस आई पत्ती हो सकता है प्लीज, नायब तहसीलदार, नोबडी, they've got पंजाब। अच्छा, ये भी मैं बताऊं, उनके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, अगर एमपीए का काम किया हुआ है, सिफारिश मानी है, इट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर, और जिसको प्लॉट दिए हुए उसका भी, उसका एंटर, जब वो वापस आता है द चीफ मिनिस्टर नोज के जी एन पहले की किया, और जिस एंकर्स को नौकरी दी हुई है उसका भी हिसाब होगा, एंकर्स भी। वो हम खबर ना करते हैं, शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को कह रहे हैं, खबर ना करते होते थे, तो एक बच्चा वहां करता होता था, वो शहबाज शरीफ बनता होता था, तो वो हर 2 मिनट के बाद सेरा निकाल लेता था, इसके बारे में मशहूर है, यहाँ कोई शक्ल का कह सेरा बांध के निकाल, इट इज नॉट बैड, इट इज नॉट बैड। इस बार जो कोर्ट ऑर्डर है, इसमें रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, 7, and 8 को बुलाया, हसन हुसैन एंड मियाँ साहब को, मरियम बीबी का तस्करा नहीं, आप तो कहते थे सारी ऑफ योर कंपनीज उनकी है, मरियम की, ये क्या? देखिए, इफ यू रीड द ऑल द थिंग्स, हु ओन्स द ऑफशोर कंपनी, हु ओन्स, मरियम विल कम इन, बिकॉज शी इज द, जब नीलसन और नेस्कॉल का आप वो बंदा लेके पनामा जाएंगे, जी, 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 फिर वहां से पता करके आएंगे, मरियम का नहीं, उनका जी कांट रन, कोर्ट ने क्यों नहीं कहा? देखो वो ठीक है, डज इट्स इन बिल्ट इनटू इट, हमें एक हिजाब होता है। देखिए, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैज आसिफ खोसा डन एंड व्हाट हैज गुलजार साहब डन। आई टेल यू, आसिफ खोसा इज गोइंग टू बी माय, अल्लाह उनको जिंदगी भी दे, इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस 1 year। मैं कसम से उनकी जो डेप्थ है, मैं उनको क्या कहूँ, उससे बड़ा जज समझता हूँ। 2018 में बना ना जी, कब डेट क्या है, जनवरी फरवरी, जनवरी जनवरी दिसंबर, कमाल आदमी, जॉय ऑफ अ मैन। तो उसके बाद गुलजार साहब हैं, बिल्कुल जान दिलेराज, तो जेडी भी अगली हुकूमत आई औखी रहेगी। नहीं नहीं, होना चाहिए आइडियल। देखिए ना, मेरे मुझे इजाज़ अफसर भी बड़े अच्छे लगते हैं, उन्होंने कहा कि हम वो फैसला देंगे जो सेंचुरीज याद रहेगा। खुशा साहब ने कहा जो 20 साल याद रहेगा, सेंचुरीज याद रहेगी, माइनॉरिटी व्यू सेंचुरी मेजॉरिटी व्यू नहीं याद रहेगी। लेकिन मेजॉरिटी व्यू को एतजाज़ आज कहते हैं, नहीं मुझे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हो नहीं, दे हैव द 3 जजेस हैव एक्सरसाइज जुडिशियल रिस्ट्रेंट। वैसे मुझे ज़ाती तौर पर फैसला मुनासिब लगा, क्योंकि जे आई टी बना के उन्होंने भागने का मौका छोड़ा नहीं है, बाद लोग कहते भाग जाएंगे, ना 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 ना, टाइम बाउंड है सारा कुछ, 60 डेज, 7 डेज। एक मेरे नसी उन्होंने
ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਚਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸਮੇ ਦੀ ਐਂਡ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਓ ਥੀਂਡ, ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਥੀਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਗੋਡਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਇਜ਼ ਗੋਨ। ਗੋਡਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੋਸਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਸਟਿਸ ਖੋਸਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀ, ਅਬ ਉਹਨੇ ਗੋਡਫਾਦਰ ਲਿਖ ਦਿਆ। ਉਹ ਮੈਰੀਆ ਫਿਊਜ਼ੋ ਕੀ ਨਾਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਸਕੀ ਤੀਨ ਫਿਲਮੇ ਬਨੀ ਥੀ, ਗੋਡਫਾਦਰ ਪਾਰਟ 1 ਜਿਸਮੇ ਮਾਲਨ ਬ੍ਰਾਂਡੋ ਥੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟ 2 ਆ ਗਿਆ ਜਿਸਮੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਕਟਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਡਫਾਦਰ 3 ਹੈ, ਐਲਪਚੀਨੋ, ਐਲਪਚੀਨੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 2-3 ਮੇ ਭਾਈ, ਹਾਂ 2-3 ਮੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੇ ਵੀ ਐਲਪਚੀਨੋ ਥਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੇ ਗੋਡਫਾਦਰ ਵੋ ਬਨਾ ਥਾ ਡਿਨੀਰੋ, ਰਾਬਰਟ ਡਿਨੀਰੋ ਐਸ ਦ ਯੰਗ ਮੈਨ। ਨਾਓ ਯਹਾਂ ਵੀ ਗੋਡਫਾਦਰਸ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਪਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਾਤੇਂ ਸੁਣਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ 57 ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਪੇ ਹੀਡ ਟੂ ਇਟ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਫੋਰਚੂਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਗ੍ਰੇਟ ਮਨੀ, ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਵੇਅਰ ਡਸ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀਸ ਫਾਦਰ ਗੈਟ ਹਿਸ ਮਨੀ ਫਰੋਮ? ਬੂਟ ਲੈਗਿੰਗ, ਪਤਾ, ਦੈਟਸ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਨੀ ਆਫ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਸ, ਐਂਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਯਾ ਬੂਟ ਲੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੇ, ਮਨੂ ਭਾਈ ਕਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਟਕ ਮਕੌੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਖੁਦਾਈਆਂ ਦੇ, ਕਰਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਲੈਣ ਪਰਮਿਟ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ, ਵਾਅਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਪੇ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਦਿਸਾਈਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਧਰ ਬੂਟ ਲੈਗਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਮੈਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕਿਹਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਨੇ ਤੋ ਮੰਨੂ ਭਾਈ ਕੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੋ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੌਪਸੀ ਟਰਵੀ ਕਿ ਵਾਲ ਵਧਾ ਲੈ ਰਾਂਝੇ ਨੇ, ਟੌਪਸੀ ਟਰਵੀ ਗਿਆ ਵਾਲ ਵਧਾ ਲੈ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਲਈ ਹੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਲ ਵਧਾ ਲੈ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਲਈ ਹੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਐਂਡ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ। 60 ਡੇਜ਼ ਕੇ ਬਾਅਦ, 60 ਡੇਜ਼ ਫਰੋਮ ਨਾਓ, ਯਾ 7 ਦਿਨ ਅਭੀ ਨਾਮ ਆਨੇ ਮੇ ਵੀ ਲਗਨੇ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਡਾਲ ਲੇ, 70 ਦਿਨ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਆ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੀ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਹੀ ਵਿਲ ਵੇਟ ਫਾਰ 60 ਡੇਜ਼, ਨੋ ਨੋ, ਹੀ ਵਿਲ ਗੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਮਨੀ, ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਐਂਡ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਥਾ ਅਭੀ, ਮੈਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੇ JIT ਬਨੇਗੀ, ਅਦਾਰੋਂ ਕੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਂਗੇ, ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਕਾ, FIA ਕਾ, SI ਕਾ, MI ਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ ਨਾਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਵੋ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟ ਔਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰੇਂ, ਫਿਰ JIT ਕਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਈਵਨ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਸਿੰਗ ਐਨ ਆਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਬ ਆਏ, ਆਲ ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਕਨਵੇਡ ਟੂ ਦੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਂਗੇ। ਮਾਨੇਗਾ ਕੌਣ, ਨੈਬ ਔਰ FIA ਵਾਲਾ ਮਾਨੇਗਾ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਥਿੰਗਸ ਕਰੰਬਲ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 2/3 ਮਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਵੈਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਆਊਸਟਡ ਹਿਮ, 2/3 ਹੈਵੀ ਮੈਂਡੇਟ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟੂ ਹੈਵੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ? ਕਹਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂਡੇ ਕਹਿ ਓਏ ਸਰ ਕਰਨ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਪੇ ਵਾਪਸ ਆਪ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆਪਕੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼, ਮੁਝੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਕੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਕੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਔਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਟੈਕਸ ਇਤਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਮੈਨੇ ਆਪ ਜਬ ਆਪਕੀ ਦੇਖਾ ਜਬ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਟੈਕਸਿਸ ਬਤਾਏ ਥੇ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਝੇ 27 ਲੱਖ ਕਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੇ ਉਸ ਸਾਲ 78 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆ? ਇਸ ਸਾਲ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 56 ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੇ ਬੀ ਅਭੀ ਹੈ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ। ਇਸ ਸਾਰਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਪਰਚੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਵਰਕ ਫॉर ਕੰਪਨੀ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਮ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇਸ ਮੇ ਹਮਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੀਏ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਨਾ, ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਇਸਕੋ, 2 ਕਰੋੜ ਉਸਕੋ, ਹਾਰ ਸਟੀਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਕਰੋੜ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਰਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਟੇਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਪੈਸੇ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਨਾਮਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹੂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਨੋ ਦੇ ਨਥਿੰਗ ਹਿਡਨ, ਆ ਜਾਏ
पता कर लें। प्रोग्राम के एंड के ऊपर आ गया, मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि आप फोरकास्ट दे रहे हैं कि अगली क्या होने वाली, इलेक्शन कब होने वाले? आई थिंक दिस ईयर, दिस ईयर, बाय एंड ऑफ दिस ईयर, मे बी अर्लियर। आई थिंक मियां साहब विल पैनिक। देर इज वन पॉइंट जहां उन्हें पैनिक करना है, और वो ये है कि जेआईटी की रिपोर्ट कंप्लीट होने और पब्लिक होने से पहले उन्हें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देख उसे एग्जीक्यूट करना है। टाइम इज रियली शॉर्ट, क्योंकि आज से इसकी मीटर चलनी शुरू हो गई है 7 दिन की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, टाइम इज नॉट शॉर्ट, टाइम इज ओवर थींड, थींड द एंड, प्रोग्राम का भी द एंड, थींड हो गया मियां। नहीं बुखारी साहब, इतना मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। पीपल्स पार्टी को या कौम को इन जजों से कभी इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट, पनामा जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट जजमेंट के तहत आज हुक्म दिया है, एक जेआईटी तश्कील दे दी, और जेआईटी का काम ये होगा कि वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के पाकिस्तान और उसके बाहर जो असासे हैं उसकी तहकीकात करेगी, 60 डेज़ के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी, और स्टेट इंस्टीट्यूशन उनको आइडेंटिफाई किया है, जिसमें ISI, MI, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP के नुमाइंदे शामिल होंगे, NAB के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो ये तहकीक करेगा। 2 सीनियर मोस्ट जजेज जो हैं, जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार, उन्होंने कहा कि डिस्क्वालीफाई कर दें प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि जो कुछ इन्होंने कहा था वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। बाकी 3 जजेज उन्होंने कहा नहीं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, कतरी खत उसको उठा के बाहर फेंक दिया। बल्कि जो ऑर्डर लिखा गया उसके अंदर जो 13 सवालात उठाए हैं, 13 सवालात बुनियादी तौर पर उसी जायदाद से मुतल्लिक हैं, और उसमें यह भी पूछा है कि कतरी को अचानक क्यों ख्याल आ गया कि उसको कोई ख़त देना है, इसको भी जांच के देख लीजिए। इसी के ऊपर डिस्कशन हम जारी रखेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हैं बैरिस्टर सफरुल्ला साहब, वीर हैं वज़ीर आज़म के, और असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। बैरिस्टर साहब, जजमेंट, राजी हैं आप, खुश हैं, जीत गए आप कि हार गए? मुझे ये नहीं समझ आ रही, दोनों पार्टियां लड्डू खा रही हैं, आप भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक है सियासतकारी, एक है अकल और कानून की बात, कोशिश करते हैं कि दोनों को मिला के बात कर लें। देखिए, जजमेंट वो होती है जो मेजॉरिटी की होती है। मेजॉरिटी की जजमेंट की हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ ने मांगा था वो तो नहीं मिला। पहली बात तो ये कहते थे हमारे पास बहुत सबूत हैं, सबूत होते तो फैसला आ जाता। आपके लिए भी यही हुआ? जी, दोनों के लिए सिमिलर देखते हैं। हाँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इनकी प्रेयर्स थी सारी की सारी कोई नहीं मानी गई, और इसलिए हम तो ये समझते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा फर्दर इंक्वायरी कर, हक है, अच्छी बात है, कर लें। अच्छा, एक मैं लास्ट प्रोग्राम भी आपसे, लेकिन किया जो ये कहते थे कि जनाब डिस्क्वालीफाई होंगे और हमने साबित कर दिया और हमने कर दिया है, वो तो बात न बनी ना। तो हम इसलिए कहते हैं कि इनका मुकदमा, इनकी प्रेयर कबूल नहीं हुई है, मुकदमा अभी खत्म भी नहीं हुआ है। ये हम नहीं कह सकते कि ये मेजॉरिटी, हम कहेंगे जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट यही है। मैं लास्ट प्रोग्राम आपसे कर रहा था और आप ही के अल्फाज थे कि वज़ीर आज़म का इसमें नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही प्रोब होने का ऑर्डर हुआ है। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज सन्स, डायरेक्ट ऑर्डर है, रिस्पॉन्डेंट नंबर 178 आइडेंटिफाई करके। देखिए, मैंने प्राइम मिनिस्टर नाम है। शामिल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिस्पॉन्डेंट के अंदर, रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 तो इमरान खान साहब की, शेख रशीद साहब की, जमात इस्लामी की पटिशन में नवाज शरीफ साहब थे, जो मैं कहता था उनका नाम ही नहीं है। हम ये कहते थे उनके खिलाफ एविडेंस नहीं लाए, हम तो ये कहते हैं, लेकिन कोर्ट तो कहती है कि वो कुछ साबित नहीं कर सके, उन्होंने गलत बयान दिया। ये भी कहा, देखिए कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा है ना कि ये एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है, अलबत्ता इसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ठीक है, कर ले। इस कोर्ट ने भी तो इतने महीने वक्त चलाया ना, केस चलाया, 5 सीनियर मोन जजेस थे, इन्होंने कहा एविडेंस तो ये कहा, पे लाया थे, नहीं लाया एविडेंस। कोर्ट ने तो ये कहा कि लगता है, तासुर यह है कि बेनामीदार थे बच्चे और प्राइम मिनिस्टर की जायदाद थी, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन तो
हमें कबूल है, हमें क्या परेशानी है, ऐसे कर लें। सीरियस ऑर्डर है सर, होता रहे इम्प्लीकेशन बड़े ज्यादा, हर जुडिशियल ऑर्डर सीरियस होता है। हम ये कहते हैं कि ये अपना इल्जाम साबित नहीं कर सके, आप अपना क्लेम साबित कर सके, ये देखते हैं चलते हैं। तो प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ता है, हम भी एक्सप्लेनेशन देंगे जो हमारे जिम्मे है, 13 नहीं 14 15 जो भी हैं। असद उमर साहब, हाँ जी, आपने आज लड्डू सही खाए हैं कि आपने भी वो सियासी वाले लड्डू खाए हैं? सर आज जो है ना, आज मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो अपने चोरी का एतराफ जो किया है आज वजीर आजम और उनकी फैमिली ने। कैसे, ये कैसे किया, बहुत अच्छा सवाल है, कैसे किया? नदीम मलिक साहब, आप हो बिल्कुल बेगुनाह, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दे कि आपने चोरी की है, 5 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के बैठ जाएं और 5 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठने के बाद ये फैसला करें कि उसमें से 3 लोग ये कहें कि आपने जो अपनी सफाई के लिए हमें जवाब दिए ना, उससे मुतमईन नहीं है, हम तफ्तीशी एजेंसी लगा रहे हैं, वो आपकी मजीद तहकीकात करेगी, ठीक है जी? ये फाइनल जजमेंट है, ये फाइनल जजमेंट, इसमें कोई स्प्लिट नहीं है, इसमें कोई स्प्लिट नहीं है, ठीक है जी? और 2 जज जो सबसे सीनियर जजेस हैं, दोनों मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो कहें कि आप झूठे हैं, आपने अमानत में खयानत की है, आपको घर भेज देना चाहिए, आप लड्डू खाएंगे इसमें? ये मालूम नहीं, मुझे पता नहीं लड्डू हो सकते बनते हो उनके। सर मैं वही तो बोल रहा हूं ना, आप बेगुनाह हैं और आपके बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं, आप कभी खुश हो सकते हैं? जेआईटी को उन्होंने हुक्म दिया कि अगर क्राइम एस्टैब्लिश हो जाए, दे हैव यूज्ड द वर्ड, अगर क्राइम एस्टैब्लिश हो जाए तो देन मूव अ रेफरेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। मैं सवाल उधर, ये नदीम मलिक साहब, अगर आप बेगुनाह हैं और आपके बारे में ऐसी बातें की जाए, आप खुश हो सकते हैं? कोई शख्स ये सोच सकता है? नहीं, उन्होंने जफियां डाली हैं, बाकायदा जारी की, उनको तो इंतहाई शदीद गुस्से में होना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि जी अदालत है तो हम एहतराम करते हैं, हम इनकी जजमेंट मान लेते हैं, लेकिन हमारे साथ बेतहाशा ज्यादती की गई है। सर नदीम अजहर चंद साहब, सर वो खुश हैं इसलिए क्योंकि वो चोरी उन्होंने की है, वो पकड़े गए हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिरी जजमेंट जो है, आखिरी धक्का जो है उसमें 67 दिन और मिल गए, इसकी खुशी है। नदीम अफजल चंद साहब, आपको खुश आमदीद भी कहता हूं, आज का फैसला बड़ा धांसू फैसला है, जेआईटी की तश्कील इसको लोग हल्का से ले रहे हैं, टाइम बाउंड है, सारा कुछ टाइम बाउंड करना है, देना है 60 रोज में, जो आप टाइम लाइन शुरू हो गई है उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि आज का जो फैसला है ना, अगर मियाँ साहब खुद भी फैसला लिखते तो इससे नरम फैसला अपने लिए नहीं लिख सकते थे। अरे इतना नरम है, इतना नरम है, क्या होना चाहिए था? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि कतरी खाद जो इन्होंने डिफेंस पेश किया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। इसमें तो यूनानिमस ये डिसीजन है, इसमें तो कोई इख्तलाफ राय नहीं है। जब एक बेंच में जब बात शुरू हो जाए ना, आम जातों में जाए ना, तो लड़ाई पंचायत में शुरू हो जाए, तीन आधे एक तरफ हों, आधे एक तरफ हों, मेरी ज़ात मुतनाज़ा हो जाए, तो बंदा सोचता है यार मेरी वजह से आप न लड़ें, या मैं मुतनाज़ा हो गया हूँ, अब मैं डिबेटेबल हो गया हूँ तो मैं ही विड्रॉ कर जाता हूँ, ये एक आम रिवाज है पंचायत ऑर्डर के बाद फंस गए हैं कि बच गए। देखिए मियाँ साहब अपने बयान उठाकर देख लें, गिलानी साहब के मुतलक जो उन्होंने खुद स्पीच की थी, उन्होंने कहा था इस ऑर्डर के बाद ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकते, वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने मॉरल अथॉरिटी के ऊपर, मॉरल एब्लिगेशन के ऊपर, सुना दें जरा, सुनाइएगा इधर, प्रोड्यूसर प्ले करिएगा जरा, चंद साहब की फरमाइश है सुनाई दें। मजीद कौम का वक्त जाये किए बगैर या इसमें मजीद कोई कंफ्यूजन या क्राइसिस पैदा किए बगैर, क्योंकि ये एक प्राइम मिनिस्टर अब ऐसे हैं जो कि एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इनके खिलाफ फैसला सुनाया गया, इनको सजा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि अब 30 दिन इधर गुजारें, कुछ और दिन उधर गुजारें, इससे मैं समझता हूँ कि कौम का वकार और मजरूह होगा, उनके अपने ओहदे जो उनका जो मनसब है उसका वकार मजरूह होगा, पार्लियामेंट का वकार मजरूह होगा, और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त बात नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि अब इस कन्विक्शन के बाद वज़ीर आज़म को फौरी तौर के ऊपर जो है वो अपना ओहदा छोड़ना चाहिए, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। बताइए चैन साहब, और दूसरा मियाँ शरीफ साहब के मुआहदा को भी बोगस करार दिया गया, तीसरा मॉरल अथॉरिटी के ऊपर मियाँ साहब एक मुल्क के एक लीडर हैं, एक जमात के सरबराह हैं, उन्होंने खुद मॉरलिटी के ऊपर बिल्कुल बात की, अखलाकियात के ऊपर उन्होंने बात की है। अब पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चीज अकाउंटेबिलिटी जो है। वज़ीर आज़म बच गए हैं कि फंस गए, ये बताएं मुझे। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म बिल्कुल फंस गए हैं, फंसे हुए तो ऑलरेडी थे,
उनका जरा टाइम मिला है और टाइम दिया गया है। शरीफ बरादरान ऑलरेडी सिस्टम के लाडले हैं, खास जुडिशियल सिस्टम हो। आप मुझसे रहे अभी भी इस बात के ऊपर कि उनको नरमी के नहीं, साथ उनको मेरा ख्याल है बड़ा सख्त ऑर्डर है। नहीं, मेरे ख्याल में उनके साथ बहुत नरमी बरती गई। उनको पहले तो फैसला महफूज, इतने देर अगर यही कमीशन बनाना था, ये चीजें थी, तो उसमें इतना टाइम की क्या जरूरत बताइए आप बैरिस्टर साहब। और फिर दूसरा, अगर अगर दो जजेस, सीनियर जजेस कह रहे हैं कि वो है, दूसरों ने तर्दीद भी नहीं की, देखे ना फैसले में कन्फ्यूजन देखे, यहाँ तो वो कहते हैं कि नहीं अभी सादक और अमीन नहीं हुए, जेआईटी के बाद फैसला करेंगे, ये कहीं भी नहीं लिखा। अच्छा, कि सादक और अमीन नहीं हुए, उन्होंने दूसरों ने तीन जजेस जो मेजोरिटी है, उन्होंने कहा कि फर्दर प्रोब कर ले। अगर आप मुझे कहें कि नदीम अफजल तेरे बाल नहीं है, ये दो भाई, ये दो भाई खामोश हो जाए, इसका मतलब हाँ ही होती है। देखिए, पहले मेरे दोस्त अंसा और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की स्पीच आपने दिखाई है, वो कह रहे हैं कन्विक्शन के बाद। नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन नहीं हुई, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। कन्विक्शन अगर हो जाएगी तो फिर ठीक है, कन्विक्शन तो नहीं हुई। और इस जजमेंट का मेरा ख्याल में, चूंकि इतनी मोटी है, भी किसी ने पढ़ी नहीं होगी, इसका पेज 235 देख लें, पैरा 22। उन्होंने कहा इस केस के मेरिट के ऊपर हम राय नहीं देते, ये इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकता है, और उसके बाद अगर होता है तो प्रॉपर क्रिमिनल ट्रायल का जो भी प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन वो किया जाएगा। अगर इनको सादर खिफत तो शर्मिंदगी मिटाने वाली बात है। पहली बात, क्लेम ये झूठा साबित हुआ कि हमारे पास प्रूफ है, जज ने कह दिया कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा ये कह रहा है कि फ्यूचर दो चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं, भाई जजमेंट वो होती है जो मेजॉरिटी की होती है, चाहे चीफ जस्टिस हो जो नौ सब बराबर तो होती है। मैं आज करता हूँ दोनों के लिए बड़ी मुश्किल है। चलो वो आपके तो लिए ज्यादा है, मैं वो तो हमारे ऊपर है ना, हम करेंगे ना। पनामा के डॉक्यूमेंट्स आ गए, इनकी बात तो खत्म हो गई, इनकी बात तो खत्म हो गई। इन्होंने कहा कि जी डिपेंडेंट नवाज शरीफ ने टैक्स नहीं दिया, दोनों बातें उठा के उन्होंने बाहर फेंक दी। ठीक, उन्होंने कहा जी बेनिफिशियल ओनर है, वो भी उठा के उन्होंने बाहर नहीं फेंकी। इट इज वन ऑफ द पॉइंट, नहीं तेरा पॉइंट, तेरा पॉइंट मैंने पढ़ लिया जी। ये पॉइंट नंबर 9 है कि रियल बेनिफिशियल ओनर कौन है नीलसन और नेस्कल को, ये जीआईटी बिल्कुल ठीक है इन्वेस्टिगेट करे। इनका सबूत तो नहीं माना, मैं तो यही कह रहा हूँ, ये ओपन क्वेश्चन है। ठीक, हम तो मान रहे हैं। पहली बात है कि इनके सबूत, क्वेश्चन सेटल होने, मेरी बात तो सुन ले, सेटल होने हैं। जो ये पटिशन लेके गए थे वो तो ना मानी गई ना, ये इनके सबूत तो रिजेक्ट हो गए। ठीक, और ये कहना कि दो ने दिया है फ्यूचर चीफ जस्टिस है, ये कोई हैसियत नहीं जजमेंट वो जो मेजॉरिटी की होती है। ठीक, कर ले तफ्तीश, हम तो कह रहे हैं, हमने तो वेलकम किया है। वैसे एक बात आपको बताऊं, ये जो पहले जिसको कहते थे ना तलाशी और तफ्तीश, मेरे ख्याल में वो मरहला अब जेआईटी का है। पहले तो जो कुछ आप भी आर्ग्यू कर रहे थे, ये भी आर्ग्यू कर रहे थे, अब अगर जेआईटी ने बैठ के ये जाके तो वहां से पनामा, चलो से हमने तो देखो ना ये चार पांच बार ठीक है, ट्रबल फॉर यू, हमने तो मुखालफत नहीं की ना, हमने तो सुप्रीम कोर्ट कमीशन में भी तैयार थे। सियासी तौर पर एक बताएं, नहीं नहीं एक बात बताएं, ये तो हम केस की तफसील में घुसते जा रहे हैं। सियासी तौर पर बहुत धचका नहीं होगा जब जेआईटी इन सवालों का जवाब लेकर सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद रिपोर्ट सबमिट कर रही होगी? देखिए, धचका अगर होता जब से अप्रैल से ये मसला चला है, पिछले साल से हर इलेक्शन तो हम जीत रहे हैं, कल भी जीते हैं, जब डीसी और डीपीओ आप पे हो, खैर खैर जबरुल्ला खान साहब, मुझे पता है आपका इतना फड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कबा देख, देख ले, देख ले, देख ले, मैं कहता हूँ दामन को भी देख ले, बांध इसमें, दामन रेडको से शुरू हो जाए, रेडको से शुरू हो जाए और आज इस पनामा के फैसले तक आ जाए। हमारे खिलाफ कन्विक्शन नहीं है, आपके पास खिलाफ है, आपके पास गैर मुल्की कोर्ट कन्विक्शन मौजूद है, छोड़ो यार। मेरे मैं जफर खान साहब, मैं दूसरे कोई ट्रैप नहीं कर रहा हूं, बात टेक्ना का जिक्र कर रहे हैं आप, वो जो मैं आगे चले, अभी अभी ख्वाजा साहब ने, अभी ख्वाजा साहब ने आप उस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। मैं इनके सवाल का जवाब, मुझे तो दुख हो रहा है, वो बहुत सारे सियासी फनकार जो हैं, वो दरबारी जो हैं, उनको तो हमें आदत है, हमें पता है वो वहाँ पे क्या करते हैं। मुझे दुख हो रहा है कि बेस्ट जफरुल्ला जैसा आदमी, अब एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचें, मुझे दुनिया में एक नज़ीर, एक मिसाल दे दें दुनिया के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल हो, इलेक्टेड वजीर आजम के बारे में सीनियर मोस्ट जजेस कह रहे हैं झूठा है, झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, कौम से झूठ बोला है, अवाम से झूठ बोला है, अदालत से झूठ बोला है, अमानत में ख्यानत की है, इसको घर चले जाना चाहिए। दूसरे तीनों जजेज जो है ना, वो पूरी तो 549 पेज नहीं पढ़े, लेकिन हमने बहुत कुछ उसके अंदर पढ़ लिया। वो तो एक जज साहब ने तो ये कहा ना कि इनकी सीट डीनोटिफाई करने के लिए, लेकिन उनको फड़का के रख दिया जिन्होंने, मजीद तफ्तीश भी मांगी है उन्होंने। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि वो शख्स वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा रहे,
جو اصل ایشو اس میں آ گیا نا، جو مشکل سپریم کورٹ، میرے خیال میں فیصلہ تاریخی ہے، میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، تاریخی فیصلہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں جج صاحبان کو مبارک ہوا، میں پیپلز پارٹی کے نقطہ نظر سے اس پہ نہیں اگری کرتا، لیکن ایک انہوں نے اپنے آپ کو بڑی سخت مشکل میں اب ڈال دیا، انہوں نے براہ راست ذمہ داری لے رہی ہے اس تفتیش کی، سپریم کورٹ سپروائز کرے گی ان اداروں سے جن اداروں کو اسی ججمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مفلوج ہو گئے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، نیب اور ایف آئی اے، نام لے کے کہا ہے کہ دے فیل ٹو انویسٹیگیٹ، دے فیل ٹو انویسٹیگیٹ، ان اداروں سے یہ کروانا ہے، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے لے لی ہے، اب منطق کی بات یہ بنتی ہے، اور میرے خیال میں قانونی بھی اس کے اندر وزن ہے، ابھی ہم اس پہ اور مزید سوچیں گے، کہ وہ وزیر اعظم جو ان انویسٹیگیشن ایجنسیز کا ہیڈ ہے، وہ سبجیکٹ ہے اس انویسٹیگیشن، تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بالکل سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو، بالکل سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ایک رتی برابر جواز نہیں ہے ان کے پاس، آپ کا بھی ہمارا موقع دیکھیں، ان کا متحد جے آئی ٹی کیسے، میں بھی چوری شجاعت صاحب کا تبصرہ سن رہا تھا، ان کے اب جے آئی ٹی پیش ہوگی وزیر اعظم کے سامنے، یا وزیر اعظم پیش ہو گئے جے آئی ٹی کے سامنے، یہ آپ بتا دیں، آپ اس پہ کمنٹ کریں گے؟ یہ کمنٹ سادہ سی بات ہے، میں اتنے اسٹرانگ لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا جتنے میرے فاضل دوست استعمال کر رہے ہیں، البتہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ انصاف کے اور اخلاقیات کے یہ نئے اصول متعین کرنا چاہتے ہیں، شاید نہیں ہو پائیں گے، اقتدار کی خواہش شاید اتنی ہے کہ جس دن سے بیچارے الیکشن میں ہارے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چلے جائیں اور خان صاحب اقتدار میں آئیں، یہ غیر سیاسی بات کبھی ہونے والی ہے نہیں ہے، البتہ جن جج صاحب کا میں تو ادب سے کہتا ہوں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، ان دو ججوں کی تو ان کے تینوں نے نہیں مانی، دو کی بات تو ان تینوں نے نہیں مانی، فیصلہ تو میجارٹی کا ہے نا، باقی رہے کہ انویسٹیگیشن بسم اللہ آئیں کر لیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ذرا ان سے بھی رائے لے لیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کوئک کامنٹ کر دوں تاکہ کلیریفیکیشن ہو جائے، میرے الفاظ کے اوپر بیسٹر صاحب کہہ رہے تھے اعتراض، میرے الفاظ نہیں ہے، یہ ججمنٹس میں پڑھ رہا ہوں، درباری کا لفظ سر سن لے، اچھی نہیں لگتی، نہیں میں ان کے بارے میں نہیں، ان کے بارے میں اچھی نہیں، میں نے تو آپ کو فرق کر دیا، آپ درباری نہیں، نہیں وہ بھی نہیں، ان کے بارے میں نہیں کہنا، جو ہے بول دیجئے، لو بریک کی باری سر، وہ جو ججمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ 63(1)(f) کے تحت وہ نااہل ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اساسے چھپائے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولائیے، میرے خوشا صاحب اور جسٹس گلزار جی سر، باقی تینوں نے بات نہیں مانی تو یہ بات آپ اخلاقی طور پر کورٹ ہی نہیں کر سکتے، اٹس ناٹ ا ججمنٹ آف دی کورٹ، دس از ناٹ ا ججمنٹ آف دی کورٹ، از اٹ ججمنٹ آف دی کورٹ، ججمنٹ کا جو آغاز ہے وہ گاڈ فادر سے شروع ہوتا ہے، یہ کیا انہوں نے، اور وہ پانچوں کی ہے کامن، وہ پانچوں کی، پانچوں کی کامن ہے، تاریخ میں دو یاد، پانچوں کا نہیں ہے وہ، ایک پہ سائن، ایک کے سائن ہے، آپ دیکھ لیں اس کے نیچے پانچ جج لکھا ہوا ہے، جج 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 جج، یہ جو آپ گاڈ فادر کی بات کر رہے ہیں اس کے نیچے پانچوں کا ایک کے سائن، آپ چیک کر، میں بھی پڑھ گیا ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں تبصرہ آج کے فیصلے سے خوش ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ تکنیکی طور پہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، اور عدالتوں کو تکنیکی طور پہ ہی صحیح فیصلے کرنے چاہیے، یہاں معاملہ عدالت کے سامنے یہی تھا کہ دونوں اطراف سے دستاویزات پیش کی جا رہی ہیں، کوئی ٹرائل نہیں منعقد ہو رہی، کوئی گواہ نہیں پیش ہو رہا، تو کیسے عدالت واقعاتی معاملات کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ دے سکتی ہے، اور یہی بات اعجاز افضل صاحب نے کہی کہ کسی کو جھوٹا کہنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ سچ کا تعین ہو، اور سچ کیا ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، اس مقصد کے لیے بالکل مناسب یہی تھا کہ ایک تفتیش کرائی جائے، جو انہوں نے ایک حکم دے دیا ہے جے آئی ٹی کے ذریعے، اور اس تفتیش کے بعد اگر مناسب سمجھا کہ معاملے کو آگے بڑھانا ہے تو دو ممبر یا تین ممبر جو نیا ایک بینچ بنے گا امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ الیکشن کمیشن میں معاملے کو بھیج دے، یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی طرف معاملے کو بھیج دے، یا اگر کوئی اعترافی بیان سامنے آ جاتا ہے تو خود فیصلہ کر دے، تو یہ تمام امکانات موجود ہیں، اور آج لیکن کے فیصلے سلمان میں صاحب جو آئین اور قانون جو کے مطابق خوصا, جسٹس ایک خوصا اور جسٹس گلزار ان کے پاس کیا ریزننگ تھی کہ وہ انہوں نے براہ راست کہا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں، ڈیکلریشن دیں ڈسکوالیفائی کریں، ان کے پاس کیا ریزننگ تھی؟ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، دیکھیں بہت وہ قابل احترام جج صاحبان ہیں اور ہم ان کے بالکل معترف ہیں، لیکن آج کا جو فیصلہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک نئی جہت پیدا کرنے کی کوشش کی آرٹیکل 184(3) میں، جس سے دیگر تین جج صاحبان نے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے سامنے جو معاملات آئے ہیں وہ آپس میں کلی طور پہ میل نہیں کھا رہے، جو تقریر کی گئی اس میں چونکہ قطر کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ بذات خود کافی ہے فیصلہ دینے کے لیے،
دیگر تین جج صاحبان کی نظر میں یہ بالکل، لیکن جو ججز نے 13 سوال اٹھائے ہیں بات سے اتفاق نہیں کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب جو 13 سوال اٹھائے ہیں، لیکن وہ 13 سوال تو بالکل وہی ہیں کہ بہت زیادہ جی بہت مسائل پیدا کر دیں گے. وہ تحقیق مانگی ہے انہوں نے ہر ایک چیز کی، اب ڈاکومنٹری ایویڈنس دینی پڑے گی. قطری خط اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا ہے، قطری خط گیا آپ کا منی ٹریل آپ کی ساری قطری خط کے اوپر. نہیں باہر کچھ نہیں، یو ہیو ٹو اسٹیبلش بینکنگ ٹرانزیکشنز. نہیں باہر کچھ نہیں پھینکا. نہیں دیکھیں میں عرض کروں، جو واقعات ہیں، جو واقعاتی ایک موقف اپنایا گیا ہے وہ تو وہی رہے گا. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کوئی ٹرائل کورٹ اس پہ کیا کہتا ہے، جو بینچ امپلیمنٹیشن کے لیے قائم ہوگا وہ کیا موقف اختیار کرتا ہے. یہ کہنا کہ 1972 یا 73 میں میاں شریف صاحب نے ایم ایل کیسے لگائی تھی، ہو سکتا ہے اس کی جزیات موجود ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ میاں شریف صاحب نے کس طرح مل لگائی وہ واضح نہیں ہے تو اس کا نتیجہ آگے کیا نکلے گا؟ میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں بہت سے سوالات ایسے ہیں جو پٹیشنرز نے اٹھائے تھے، تحریک انصاف کی پٹیشن میں تھے، انہوں نے ان کو آگے کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان پہ تحقیق کروا لیتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کا عدالت نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ لگتا ہے یہ کہ یہ جو بچے تھے یہ پرائم منسٹر کے بے نامی دار کے طور پر ایکٹ کر رہے تھے. آپ کو تو ان چیزوں کا تو جواب دینا پڑے گا کہ یہ پیسہ اتنا زیادہ جو باہر سے پرائم منسٹر کو آ رہا تھا اس کا سورس کیا تھا وہ بھی بتانا پڑے گا. ہل میٹل سٹیل نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے، کیسے لگے، گلف کا پیسہ کہاں سے آیا تھا، کیسے لگا، ابھی تک نہیں بتایا آپ لوگوں نے. دیکھیں گلف میں اور باقی معاملات میں فرق ہے. گلف تو گلف تو 1972 میں لگی نا، اس کے حوالے سے تو جو معلومات ہوں گی 40-50 سال پرانی وہ بتا دی جائیں گی. بعد کے جو معاملات ہیں جو حالیہ سالوں میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ریکارڈ موجود ہے، چونکہ یہ پاناما پیپرز کا اور لنڈن کی کون سا ریکارڈ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب؟ آپ کا قطری خط تھا جو یہ کہتا تھا کہ گلف کے سے جو پیسہ ملا اس پیسے سے یہ عزیزیہ سٹیل مل لگائی، اسی پیسے سے ہم نے حدیبیہ کا لون سیٹل کیا، اسی پیسے سے ہم نے اپارٹمنٹس خریدی. ایک قطری خط کے اوپر بیس تھی انٹائر ٹرانزیکشن، آپ کی انٹائر کیس پورا، جس کو تو دیکھیں نا نہیں مانا. قطری خط کے پیچھے اب آپ کو اس معاملے میں منی ٹریل دینی پڑے گی. دیکھیں وہ اس نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں منی ٹریل کیا ہوتی ہے، ایک جواز ہے نا کہ یہ انویسٹمنٹ ہوئی کیسے ہوئی. اب قطری خط کے پیچھے وہ اس کے لکھنے والا شخص موجود ہے، وہ لکھنے والا شخص کیا بیان دے گا، کیا دستاویزات پیش کرے گا، ہمیں انتظار کرنا چاہیے. منی ٹریل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بینکنگ ٹرانزیکشن پیش کریں. جدہ جو ہے وہ کوئی جیب میں ڈال کے لے کے گیا ہوگا. نہیں کسی نے یہ نہیں کہا. 2008 کی بات نہیں ہو رہی ہے، 1980 کی بات ہو رہی ہے. جو ٹرانزیکشنز 2008 میں ہوئی وہ بالکل بینکوں کے ذریعے ہوئی اور وہ پیش ہو جائیں گی. یہ عزیزیہ والا کیس بات کا ندیم بھائی، اگر ٹیکنیکلی تو چلو وکلاء حضرات میرے ساتھ جو سیاسی طور پر اگر میں عرض کر دوں جو عزیزیہ کی فروخت ہوئی اس کی دستاویزات تو پیش آدھی بات بھی سچ مان لی جائے تو کیا 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 نکلتا ہے اس کا رزلٹ پولیٹیکلی؟ آدھا بھی مان لیا جائے کہ دو ججز نے کہا اور باقیوں نے اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہیں دیا، صادق اور امین نے پہ قطری انہوں نے جو ریجیکٹ کر دی. اب اگر دو پوائنٹ پہ آپ اوپن ایک فیصلہ پولیٹیکل فیصلہ کر لیں، ٹیکنیکلی چلو یہ میں ہمارے پیپل پارٹی کا موقف ہے کہ یہ لاڈلے ہیں، باقی تین ان کے ساتھ پیار ہوگا. جسٹس کھوسا اور ان کی ججمنٹ کو یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی ججمنٹ سے مانتے ہیں، انہوں نے اپنی ریزننگ دی ہوئی، اپنی باتیں کی ہیں. یہ میجورٹی ڈیسیجن تھا نا، میجورٹی ڈیسیجن ایسے دیکھیں اس پہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان دو پوائنٹس کے اوپر ڈسکس صاحب یہ وکیل صاحب سے میرے سے بہتر جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ اس دو پوائنٹ کے اوپر کوئی اس پہ اختلاف تھا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہیں قطری خط کو اٹھا کے پھینک دیا ہے، یہ بات صحیح نہیں قانونی زبان. انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان تمام معاملات کے اوپر جو 13 کے 13 ہے ہم اپنی ڈیفینیٹ رائے نہیں دیتے، اٹ ہیز ٹو بی پروڈ. اس کی وجہ وہی ہوتی ہے، دیکھیے نا اب تک کوئی آدمی آیا ایویڈنس کیا ہوتی ہے پاکستان قانون، ایک آدمی آئے گا حلف اٹھائے گا جرا ہوگی یا ڈاکومنٹ لائے گا، ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ ہے یا نہیں، یہ سارے کام اب جی آئی ٹی کرے گی. یہ تو خیر جذبات میں تھے نا، سپریم کورٹ میں چلے گئے وہاں یہی کچھ ہی ہونا تھا. عدالت نے کہا یہ جی آئی ٹی چیک کرے گی. جی بالکل ٹھیک ہے، قطری خط مت ہے مان لیا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پھینک دیا، میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا. آپ ایک جملہ کہہ رہے ہیں بریک لے لیں. سادہ سی بات صرف یہ ہے کہ جو کہانی سنائی مان لی جاتی، اس کا کوئی ایک پہلو بھی مان لیا جاتا تو وہ جی آئی ٹی کو تو نہ بھیجا جاتا نا. جی آئی ٹی کو کیا بھیجا گیا؟ جی آئی ٹی کو وہ چیز بھیجی گئی ہے جس کو ان تین جج صاحبان کے ذہن میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے.
ایک بھی حصہ دفاع کا جو ہے جس کا بنیادی سینٹرل پیس جس کا قطری خط تھا اس تمام میں سے ایک چیز کو نہیں انہوں نے مانا. تمام چیزوں کے اوپر 13 کی 13 چیزیں انہوں نے دبئی کی سٹیل مل سے لے کر فلیگ شپ تک مل میٹلز تک ایک ایک چیز پہ انہوں نے کوسچن ریز کر دیا کہ کورٹ نے ایویڈنس ریکارڈ نہیں کیے, ہمارے جورسڈکشن نہیں ہے, ہم اس لیے نہیں کر رہے. بھائی پوری ججمنٹ تو آپ پڑھ لیں نا. انہوں نے یہ بالکل ٹھیک, اور ہم تو ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جورسڈکشن ان معاملات میں جب تک ایویڈنس نہیں آئے گی. آپ تو ڈے ون سے یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس تمام ثبوت میں موجود ہے, ثبوت آپ نے دے دیے, مانتے کیوں نہیں وہ؟ بریک لے لیں ہمارے ساتھ, ایک شارٹ بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاناما کا فیصلہ, چند صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ 7 دن میں نام دینے ہیں, 60 روز میں فیصلہ آنا ہے, پرائم منسٹر 67 روز ویٹ کریں گے یا اس سے پہلے کچھ سیاسی نئی چال چلیں گے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا. ندیم ملک صاحب, جے آئی ٹی کے بارے میں جہاں تک خیال ہے, اس سے پہلے جتنی بھی جے آئی ٹی بنی ہے جس میں نون لیگ کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں, یہ ٹائم باؤنڈ ہے. جتنے بھی نون لیگل, دیکھیں باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ مارٹاؤن کے واقعہ پہ آئی, اس کے اوپر انہوں نے نیا, وہ سپریم کورٹ کے جج کی کمیشن کی رپورٹ, وہ جو بند ٹوٹنے والی فلڈ کے اوپر رپورٹ جسٹس منصور کی, یہ جو نتاشا ریپ کیس کی ٹیکسلا کی رپورٹ دیکھ لیں, یہ 3 رپورٹس ہیں, کمیشنوں کی رپورٹ ہے, کوئی انکوائری کمیشن ہوگا, کوئی جوڈیشل کمیشن ہوگا. دیکھیں یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں, سسٹم کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے. میرے خیال تھوڑا سا اس کو چینج کرتے ہیں لائن میں, بڑی طاقتور جماعت ہے, پی ایم ایل این سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت, 187 ممبر بھی ہیں, وہ سفارشی بڑے ہیں, پارٹی بڑی نہیں ہے, سفارشی بڑے, وہ بھی سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن اس کیس میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اسپیشل بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے گا جو اس کو روڈ رپورٹ لیا کرے گا بار بار اس جی آئی ٹی سے, اور پھر 60 روز. یار اگر 5 بینچوں کو فیصلہ لکھنے میں کتنے دن لگے, ہاں, اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے 60 دن میں رپورٹ دے لے گا؟ آپ کا خیال ہے نہیں دے گا, کدھر دے لے گا؟ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کس کے متحد ہوتا ہے؟ کس کے متحد ہوتا ہے؟ انٹیریئر منسٹری کے, چودھری نثار کے. اور آئی ایس آئی کا ڈائریکٹ کس کو رپورٹ کرتا ہے؟ پرائم منسٹر کو. تو پھر تو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں دیکھیں, نیب بھی ہے, ایف آئی اے, ایف آئی اے بھی ہے, نیب اور ایف آئی اے کام. وارنٹ مجھے بتا دیں جس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے نے کام کو نہیں. چیئرمین نیب کے اوپر کچھ آرڈر ہے؟ یہ بہت زیادہ مایوس ہے, میں اتنا مایوس نہیں, میرا خیال ہے ڈراپ ہوگا. یہ بات یہ ہے, ایک جج صاحب نے ان کی امپیچمنٹ پہلے دن کی اٹھا کے دیکھ لیں, ہم پہلے دن سے کہتے ہیں مایوسی کہ ہمیں مسلم مدلیہ سے اتنی توقع تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کیس کی قانونی کمزوریوں کا پورا پتا تھا, اس لیے ان کے وکیل سیاسی جنگ تو کر رہے تھے, ان کا مقصد تھا سیاست میں ڈھول بجاتے رہے اور عدالت میں نہ جائیں, یہ تو پہلے دن سے ان کا موقف تھا. پی ٹی آئی کو تھا کہ شاید ہمارے پاس پکے ثبوت ہے اور ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی, ہمیں آپ کے تجربات کا وہ بھی خیر پوری نہ ہو سکی. پہلے ایک دھرنے سے کی, پھر دوسرے امپائر سے, پھر تیسرے سے جوڈیشل کو ہو جائے گا, ہونا کوئی نہیں ہے. البتہ یہ کوشچن ویلڈ ہے, لیٹ دے بی آنسرڈ, انویسٹیگیشن ہو جائے. لیکن میں پھر کہوں گا, آپ پیراگراف 22 ایٹ دی پیج آف 235 پڑھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں ان تمام کوسچنز کے اوپر ہماری کوئی ڈیٹرمینیشن نہیں ہے. اچھا سر, اور نتیجہ نکلے گا اس کا؟ ہو اب ہمیں ڈیلے ڈیل سے فیصلہ تسلیم کر لینا چاہیے اور معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے. فیصلہ تو ابھی کمپلیٹ ہونا ہے, 67 ڈیز کی ٹائم لائن ہے, ہو جائے گی کمپلیٹ؟ امید ہماری یہ ہے لیجیے. لیکن سوال جو چند صاحب ریز کرے نا, وہ بڑا ویلڈ سوال ہے. دیکھیں وہ جو ایک بندہ آپ ایف آئی اے کا آپ لے آئے, اس نے باقی جو ایف آئی اے کا ریکارڈ ہے وہ دوسرے افسران کے سے اس نے لینا ہوگا نا, نیب کے اندر بھی یہی ہوگا. اسد عمر بھائی ایک منٹ, قطع کلامی کی معافی, اصغر خان کیس ایف آئی اے کے پاس ہی نہیں پڑا ہوا, سپریم کورٹ کی اس کے اوپر ابزرویشن ہے, ججمنٹ ہے, کوئی نہیں. 5 سال آپ کی حکومت نہیں, بھائی آپ طاقتور لوگ ہیں, ہماری حکومت سے بھی آپ طاقتور تھے. اچھا جی, کیونکہ جی ایچ کیو آپ کے ساتھ تھا, انٹرنیشنل فورسز آپ کے ساتھ تھی, کیانی اور پاشا آپ کے ساتھ تھے, کیا بات کر. اب بھی جی ایچ کیو ان کے ساتھ, اب بھی ان کے ساتھ, اگر نہ ان کے ساتھ ہوتا تو بالکل یہ اختلاف, یہ متحدہ نہیں. سر یہ بہت, میں واپس اپنی بات پہ اگر آ جاؤں, یہ ایک ایک افسر ہے. جان صاحب کی بات آپ نے غور سے نہیں سنی. میں سن لی, میں ایک ایف آئی اے, ایک افسر ایف آئی اے, یہ مایوسی نہیں, آپ ایک افسر میرے ساتھ ڈیبیٹ کر, ٹھیک ہے نا, اس نے ساری معلومات لینی ہے,
उन इदारों से जिसको मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के यही जजेस कह रहे हैं कि अगर इन्होंने काम किया होता तो हमें जरूरत ना पड़ती जीआईटी की। लिखा है कि नहीं लिखा उसके अंदर कि अगर इन्होंने काम किया होता तो जीआईटी की जरूरत ना पड़ती? तो ये जज साहिबान को इस सवाल का जवाब उनको भी सोचना चाहिए और सारी कौम को भी ये सवाल पूछना चाहिए कि मियाँ साहब आप कहते हैं बेगुनाह हैं, आप कह रहे थे बेगुनाह हैं, आप कह रहे थे कि कोई पीटीआई के पास कोई सबूत ही नहीं है, दो सीनियर मोस्ट जजों ने आपके खिलाफ तारीखी वर्डिक्ट दे दिया है, बाकी तीन जो हैं वो आपके सारे जवाब कतरी खत पता नहीं क्या क्या सबसे वो जब मुसरत कर दिया है। नहीं, जो बेसिक प्रेयर थी बुनियादी तौर पर उन्होंने जेआईटी के लिए जो 13 सवाल बनाए हैं वो उसी प्रेयर में से उन्होंने वो 13 सवाल बनाए, वो सवाल उठाए तो इसका मतलब वही सवाल है जो 13 बोलो, इसका मतलब वो जो तमाम सवाल उठाए गए थे उन्होंने उस पर हुकूमती मौकफ जो है उससे मुतमईन भी नहीं हुए और सवालों को वैलिडेट उन्होंने किया है, तो वो तो पूरी की पूरी पिटीशन हमारी वैलिडेट हो गई। राजा साहब ये 67 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि चंद साहब का एक कंसर्न दुरुस्त है कि पाकिस्तान में वो हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं एक चीज को जानने के लिए, स्विस लेटर्स की तस्दीक करवानी थी वही नहीं हुई, जज बदल गए, सारा कुछ हुकूमतें चली गई, यहाँ पे तो 13 सवाल है जिसको प्रूव करना है। देखिए हो तो सकता है लेकिन अगर किसी वजह से ना हुआ तो अदालत के पास हमेशा सवाबदीद होती है मुद्दत को बढ़ाने की, तो वो तो उस वक्त देखा जाएगा कि 60 दिन के बाद क्या सूरत हाल है, ज़रूरत अगर हुई तो अदालत बढ़ा देगी मुद्दत को, लेकिन कभी उम्मीद है कि बढ़ाने की ऑप्शन हम क्यों देख रहे हैं? फिर तो ये चंद साहब का कंसर्न जेन्युइन हो जाएगा, वो पहले कहते हैं ये पूरा ही नहीं होगा। नहीं, ये तो डिपेंड करेगा कि जे आई टी है वो क्या कहती है, उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, अदालत की तायीद उनको हासिल है, हर दो हफ्ते बाद उन्होंने अदालत से रुजू करना है, बताना है कि उनको क्या मुश्किलात पेश आई, अगर कोई उनको मुश्किलात पेश आती हैं कौन उनके साथ तावुन कर रहा है कौन तावुन नहीं कर रहा, तो ये ऐसी कोई जे आई टी नहीं है जिसके पीछे कोई ताकत ना हो, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि इसका काम सही तरीके से होगा और 60 दिन में मामला खुल कर सामने आ जाएंगे। शफाफियत के हवाले से प्रोब करना है इस जेआईटी ने, तो इस जेआईटी को जिन लोगों ने जो इंस्टीट्यूशंस के हेड जिन्होंने नॉमिनेट करना है वो भी, और जिस ऑफिसर को नॉमिनेट करें वो भी, वो अपनी एसेट्स और टैक्स रिटर्न्स पब्लिक भी करें फिर दूसरों की शफाफियत को जांचें। आप मुनासिब समझते हैं कि वो अरकान अपनी टैक्स और एसेट रिटर्न्स चेयरमैन नैब पब्लिक कर दें, एफआईए के हेड पब्लिक कर दें, डीजीआईएसआई पब्लिक कर दें, क्या ये मुमकिन होगा? क्यों नहीं, जरूर करें। और देखें यहाँ पे जो इसकी तश्कील की गई है उसमें एमआई का भी एक नुमाइंदा होगा, एसआई का भी होगा, ये तो कहने की बात है कि वो तमाम सिविलियन हुकूमत के ताबे हैं, हकीकत हम जानते हैं, लिहाजा इस जीआईटी की तश्कील में खासी सोच तो शामिल है सबको करना और यही समझा गया है, एसबीपी एससीसीपी इन सारों को करना चाहिए, आईएसआई और एमआई को भी करना चाहिए, शफाफियत तो तभी आएगी। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, करें और मामलात को आगे बढ़ाएं। पीटीआई बाय इटसेल्फ बजाते खुद बड़ा अच्छा मशवरा है और पब्लिक ऑफिशियल्स की और जो लोग हैं इन पोजीशन देखिए जिनको आप मैंडेट देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट, लेकिन अगर आप इससे लिंक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इससे लिंक कर रहे हैं लेकिन मेरा मशवरा ये है, ख्वाहिश ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तहे दिल से मान लें, सादर पीटीआई की दिल की मुराद नहीं पूरी हुई है, हम मान लें कि उन्होंने अगर मुनासिब समझा है कि जीआईटी इंडिपेंडेंटली काम कर लेगी और उनकी रहनुमाई या रिपोर्टिंग के पीरियडिक रिपोर्ट पे कर लेगी, तो हमें ये बात मान लेनी चाहिए, सच्ची बात नहीं, वो तो माननी है, जिन्होंने प्रोब करना है अगर वो अपने एसेट और टैक्स रिटर्न्स पब्लिक कर दें तो मुनासिब नहीं, लीगल राय दे सकता हूँ उसकी वजह से, पाकिस्तान के लॉ में हर साल हर अफसर अपना रिकॉर्ड देता है, पब्लिक नहीं होता, नहीं होता, पाकिस्तान का लॉ इसको अलाउ नहीं करता, लिहाजा अगर आपने इसको ये करना है तो फिर लॉ आपको अमेंड करना पड़ेगा, ये अलग बैठक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए लेकिन वो खुद कर नहीं सकते, आपका नैब इतना बड़ा है, करते मुझे तो कोई रश भी नहीं है, एसेट और टैक्स रिटर्न्स पब्लिक करें, एफआईए की करें, एसआई वाले की भी करें, मैं तो हर साल करता हूं, मेरा तो बड़ा थोड़े से, तो आप सपोर्ट तो करने एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, सपोर्ट मुझे तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, सपोर्ट करें ना, फिर मैं सपोर्ट कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं हर आदमी, आप कहेंगे मैं सपोर्ट करता हूं, देखिए मैं तो कहता हूं कि हर
टाइम थोड़ा रह गया, हर ऑफिशियल, मैं आपको बताऊं सिविल सर्विस लॉ हम अमेंड कर रहे हैं और उसमें हमारी ये ख्वाहिश है कि ओपन करें, यहाँ पे भी सपोर्ट करें। मैं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप जनरल लॉ बना रहे हैं कि सारे करें। ये बताएं कि आप 67 डेज का वेट करेंगे कि JIT कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करें या उससे पहले अपनी सियासी हिकमत अमली लेकर आएंगे? देखिए ये सियासत को अलग रख ले, हम एक रूलिंग गवर्नमेंट है, हमारा हक है कि जो जायज बका की जंग लड़नी है हमने उन लोगों से जो बिहाइंड द सीन खुफिया दरवाजे से पावर में आना चाहते हैं। इसके अलावा कानूनी जंग कानून से लड़नी चाहिए। मुझे उम्मीद ये है कि यकीन है बल्कि कि सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में ये एजेंसियाँ इंडिपेंडेंटली काम करेंगी और 60 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। उससे पहले आप बाकी रह गया सियासी जंग, क्योंकि खान साहब ने तो पहले कहा है कि मैंने जलसे जुलूस करने हैं, देखें क्या होता है, फिर वक्त के साथ चलेंगे। आपके जहन में भी ऑप्शन हैं क्या कि इस रिपोर्ट के आने से पहले ही हम कोई अपनी सियासी हिकमत अमली बना लें? नहीं नहीं, इस केस से बड़ा सियासी हमले का केस से कोई तल्लुक आप चंद साहब बताएं, ये वेट करेंगे या उससे पहले कोई इलेक्शन वेक्शन का सोचेंगे? इलेक्शन क्यों कराएं हम? इलेक्शन ये नहीं सोचेंगे, इसलिए नहीं कराएंगे इलेक्शन। अभी जो इन्होंने जितनी टेंडरिंग की है, जिनका रिकॉर्ड जलाया जा चुका है वो मनसूबे तो मुकम्मल हो गए, जिनका रिकॉर्ड अभी जलाना है जो मिली भगत करके, रिकॉर्ड जलाने के बाद ये इलेक्शन की तरफ आएंगे। रह की बात चोर दरवाजे के, चोर दरवाजे से इन्होंने दाखिल होकर इफ्तिखार चौधरी और कियानी फार्मूले के तहत वो ताला लगाकर चाबी इन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री में फेंक दी है। अब वो दरवाज़ा बंद है फिलहाल, क्योंकि अब मीडिया और ये सारी चीज़ें, अल्लाह न करे दोबारा कोई चोर दरवाजे से इख्तदार में आए, ये मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये हमें दुआ मांगनी चाहिए। जमहूरियत चलनी चाहिए लेकिन मॉरालिटी के ऊपर बेस होनी चाहिए। जमहूरियत, जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पे होती है। आप लेकिन ये JIT की रिपोर्ट को वेट, मैं हूं खा आप हो खा कोई भी हो, दो माह इंतजार किया तो जब रिपोर्ट कंप्लीट, असगर खान की रिपोर्ट कितनी मुद्दतों से पड़ी हुई है, असगर खान केस की रिपोर्ट वही होगा, बाकर नजफी केस कितनी मुद्दत की रिपोर्ट पड़ी हुई है भाईजान, पाकिस्तान में ताकतवर लोगों ने रिपोर्टें फेंक के अपने दराजों में बंद कर दिए। क्या बात करते हैं आप, ये कोई मारे गरीब आदमी का होता तो एक मिनट में आप छतरोल करते हैं। मलिक साहब जो मीडिया ही आज इस तरह थप्पड़ को मारे तो क्या करते हैं, आपको छोटा सा कत्ल हो जाए और एक मुल्क का वजीर आजम के खिलाफ कैसे? यार इंटरनेशनली JIT के साथ हमारा वजीर आजम पेश हो रहा होगा, इंटरनेशनल दौरे कर रहे होंगे, तो क्या हमारे मुल्क की बेइज्जती नहीं है? डायरेक्टर मेजोरिटी फैसले मुलजम तो है ना, मुल्ज़म वज़ीर-ए-आज़म दुनिया के दौरे करेगा, मुल्ज़म वज़ीर-ए-आज़म MOU साइन करेगा, मुल्ज़म वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेगा, क्या बात कर रहे हैं? मुल्ज़म और कन्विक्ट प्रेसिडेंट अच्छा जी दौरे करता नदीम मलिक साहब वो ठीक है, नदीम मलिक साहब है ना, सुन ले आपकी हुकूमत है आप सजा दे, मैंने बात हमारे TUR मान ले उसमें जरदारी साहब का, मैंने बात आपको, मैं आपको दरमियान में नहीं ठोकता था, नहीं मैं पांच साल हुकूमत रही है, ये असगर खान की तफ्तीश करवा लेते और ये इलेक्शन की शिकस्त को इफ्तिखार और पाशा किसी के साथ न करें, आवाम ने इनके आवाम इनको शिकस्त देंगे। दो बातें इन्होंने की नहीं, दो सवाल आपने पूछे थे, एक ये कि क्या ये इलेक्शन करवाएंगे अभी जल्दी, वो पागल हो गए, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, लोग मरे हुए, एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही है, रिमिटेंसेस आनी कम हो गई है, खसारा जो है बैनुल अक्वामी बढ़ता चला जा रहा है, कर्जे रिकॉर्ड लेवल पे जा रहे हो, पागल हो गए इस वक्त इलेक्शन की JIT की रिपोर्ट आएगी ढाई महीने बाद फिर क्या करेंगे? दूसरी चीज जो है, जो आप कह रहे थे कि चोर दरवाजे से, ये नदीम अफजल चंद साहब और हमारा सबका, ये इनके जहन में बार बार सवाल क्यों आता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड रखते हैं, जितनी दफा चोर दरवाजे से ये आए मैंने तरीके इंसाफ तो कभी पावर में नहीं आई, चोर दरवाजे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, ये इतनी दफा आ चुके हैं कि इनको डर ये लगा रहता है कि हमने जो हरबे इस्तेमाल किए हुए, जो अजहर खान केस के अंदर खुल के सामने आए हुए, वो कहीं कोई और ना इस्तेमाल कर, फिक्र ना करें, ना सुप्रीम कोर्ट पे हम हमला करवाएंगे आपकी तरह, ना चोर दरवाजे से पावर में आएंगे। JIT की क्या इंप्लीकेशन है ये नहीं मुझे बता रहे आप, तीनों आप उसको अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, नहीं मैं अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहा, सवाल बिल्कुल आज से ढाई माह के बाद जब JIT की रिपोर्ट तैयार होगी, अगर उसकी फाइंडिंग्स इनके एडवर्स चली जाती है तो क्या होगा? सवाल कोई नहीं है सर इनके पास, देखें अगर का सवाल क्यों मैं कह रहा हूँ नहीं है, 3 महीने इनको दिए गए, 2 दफा केस चला है, याद रखें अभी भी 2 दफा केस चला है, बाद JIT की रिपोर्ट है, भाई मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, क्या बनेगा? जाति उमरा इन्वेस्टिगेशन थ्रॉपी, ना 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 ना, देखें 2 दफा नदीम मलिक, JIT जाति उमरा इन्वेस्टिगेशन थ्रॉपी, जो दो बेंच बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये सारे जो सवाल है ना, 2 दफा इनको मौका दिया गया जवाब देने की, 2 दफा तो दे नहीं सके, 3री दफा किधर से आने जवाब, तो वो तो वाजे है कि JIT के एंड में क्या जवाब आना है। राजा साहब से भी पूछ लें, राजा साहब बहुत एडवर्स इंप्लीकेशन भी हो सकती है 2 माह और 7 दिन के बाद।
لیکن جے آئی ٹی نے ایک تفتیشی رپورٹ پیش کرنی ہے، جے آئی ٹی نہ جوڈیشل کمیشن ہے نہ عدالت ہے، ان کی جو بھی تفتیشی رپورٹ ہوگی اس کے بعد پھر ایک عدالتی کاروائی کرنا ہوگی، وہ سپریم کورٹ میں ہو یا کسی مجاز عدالت میں ٹرائل کورٹ میں ہو، اس وقت دیکھیں گے کہ اس کی رپورٹ کی کیا وقت ہے، اس کی بنیاد پہ عدالت. اگر کرائم اسٹیبلش ہوتا ہو تو آرٹیکل 184(3), 187, 190 کو استعمال کرتے ہوئے موو ریفرنس اگینسٹ دی پرائم منسٹر اینڈ ادر ہو آر فاؤنڈ گلٹی، یہ ڈائریکٹلی انہوں نے تو کچھ گنجائش ہی نہیں چھوڑی. تو ریفرنس ریفرنس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہی جائے گی نا، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک ریفرنس ہوگی، وہ خواہ الیکشن کمیشن میں ہو یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہو، وہاں پہ پھر ایک ٹرائل چلے گی. تو یہ ہے اس وقت جو ہمیں روڈ میپ آگے کا نظر آ رہا ہے، 60 دن کے بعد یہ ہے جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، بہت بڑی کاسٹ ہے اس کی، یہ زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ ہے. سیاسی طرح دیکھتے ہیں اس وقت کیا بات سامنے آتی ہے. تفتیشی رپورٹ کے نتیجے میں یہ بھی لکھ دیا ندیم کہ اگر ضرورت پڑی تو کرمنل ریفرنس بھی فائل کیا جا سکتا ہے، اور اسپیسیفکلی انہوں نے کہا ہے ریسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی وزیر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف. اسد عمر صاحب، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، ندیم افضل چند صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. ندیم مالک کو اجازت دیجیے، سما اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے، سما کے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.